ओके गुड मॉर्निंग एवरीबडी दिस इज़ अ सेकेंड लेक्चर ऑफ कैपिटल बजटिंग पिछला लेक्चर इट वॉज अ स्मॉल लेक्चर अगैन इट वॉज़ अराउंड एक घंटा बीस मिनट वगैरह का आपको मिला हुआ या वन पॉइंट सवा घंटे का मिला होगा आएम नॉट श्योर डिपेंड्स की हमने लाइव में तो उसको वन पॉइंट लाइक like, ट्वेंटी फाइव मिनट्स मैंने देखा था कि हुआ था बट एम श्योर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडिटिंग जो थी वो हटा करके जो नॉन रेलिवेंट स्टाफ था वो हटा करके मेरे हिसाब से वन पॉइंट वन फाइव या मतलब तो सवा घंटे का या फिर डेढ़ घंटे का लेक्चर आई I मीन mean, एक घंटा बीस मिनट का बना हुआ दट इज़ नॉट टू मच ऑफ अशू एट एज सच क्योंकि हमने पोर्टफोलियो वाइंड अप किया और फिर हमने कैपिटल बजटिंग शुरू करा था बट फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड्स इट विल बी प्रॉपर वॉट एवर नंबर ऑफ आवर्स आर देयर वी आर डेडिकेटिंग टू कैपिटल बजटिंग ओनली बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा स्पीड में ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत है इसमें सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें लिखते जाना है मतलब जितना भी पोर्शन हो सकता है लिखते जाना है और एक बात बता देती हूँ इस बार के एग्जाम में तुम कैपिटल बजटिंग को लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि जब कैपिटल बजटिंग इन्होंने हटा भी दिया था ना तो भी कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन तो ये पूछ ही रहे थे फॉरेस्ट के साथ मिला के पूछ रहे थे और अभी जबकि उन्होंने ऑफिशियली इसको ये कर दिया है तो इस बार के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आठ दस नंबर का वो पूछेंगे ही पूछेंगे क्योंकि तो उनकी फिर मतलब नहीं निकलेगा ना पेपर का जो नया पेपर है तुम्हारा उसका कोई पेपर ऐसा मुझे लगता है आई आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज आई सी आई इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रोडक्ट यू कैन नॉट प्रोडक्ट एट ऑल फॉर एग्जाम्पल जो सी एफ ए वगैरह के एग्जाम्स होते हैं ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में हमें पता होता है कि ये पे, ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा ये बात होती है बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रोडिक्ट हम नहीं कर सकते तो अच्छी बात है कि बुरी बात है वो मुझे नहीं पता है बट या डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल हैव टू एक्ट ओके अब जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया आई टोल्ड यू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश क्लोज ओके एंड एक बेसिक सम बना करके मैंने एक प्रैक्टिस कराई सो दैट कि हाथ बैठ जाए क्योंकि एकदम सेड बेसिस पे मैं सम चालू कर दूँगी बुक से तो शायद मज़ा नहीं आएगा तो अभी मुझे क्या लगता है कि एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं टॉपिक उठा लेती वैसे तो एक सम है लेकिन पहले मैं अप्रेजल क्राइटेरियाज जो होते हैं ना वो डिस्कस कर लेते हैं खाली कहने के लिए एन कैसे निकालना है तुम्हें आता है, कैसे तुम्हें आता है आई कैसे निकालना है तुम्हें आता है ऑलरेडी पी कैसे निकालना है तुम्हें आता है ऑलरेडी लेकिन हाँ नोट्स तुम्हारे प्रॉपर होने चाहिए और वो एक बार लिखने के बाद मैं रादर ये भी सोच रही हूँ कि एक टॉपिक और है स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि थियरी वाला पार्ट ना मैं खत्म ही कर दूं जितना कर सकती हूँ ओके दस मिनट लगेगा वो खत्म करने में खाली नाम लिखने हैं तुमको और उसके बाद बैक टू बैक हम सम्स भगाते तो हमको टारगेट फिर से करना चाहिए कि अच्छे नंबर ऑफ सम्स डेली कवर हो मुझे लगता है पोर्टफोलियो वॉज वेरी वेरी लाइक वी डिड अ लॉट ऑफ स्मार्ट प्लेन पोर्टफोलियो एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कितना बड़ा चैप्टर था हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कवर कर पाए उसको तो सेम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करूंगी सो दैट कि इनकी भी बैच वाइंड अप हो जाए वी आर टूअर्ड्स द लास्ट लेक्चर आई कैन से सो लेट्स डू इट चलो शुरू हो जाओ ये रिकॉर्डिंग वाले के लिए बच्चे ये लोग बोलते हैं कि मैं एक्टिंग करती हूँ एक्टिंग करनी पड़ेगी ना मैं स्मूथ कैसे होगा लेक्चर वरना चलो स्टार्ट सो अप्रेजल क्राइटेरिया अप्रेजल क्राइटेरिया का मतलब होता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट लें कौन सा प्रोजेक्ट नहीं लें एंड ऑल दैट ओके इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं यूज ऑफ टी वी एम मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना है विदाउट यूज ऑफ टी वी एम के साथ ही करते हैं लेकिन हाँ सी इंटर में तुमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या पे बैक पीरियड ये सारा तुमने सीखा होगा ओके पे बैक पीरियड के साथ एक और था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो वो वाला जो पार्ट है ना वो तुमको यहाँ पे नहीं सीखना है तुमको मेनली फोकस करना है यहाँ पे एनपी वी आई आर आर और पी आई पे चैप्टर के अंदर में लेकिन एन पी वी आई आर आर दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो लाइफ में हर जगह काम आते हैं तुमने नोटिस किया होगा हर चैप्टर में हम एन पी वी और फॉरेक्स में भी कर रहे थे हम एन पी वी और पी आई ऐसा और आई आर आर आई आर आर भी हम पूरी जगह कर ही रहे थे तो सिर्फ लिखने के लिए मुझे लिखना है यहाँ पे यूज़ ऑफ या विथ टी वी एम विदाउट टी वी एम ऐसे लिख दो तो बेटर नहीं होगा टी वी एम का मतलब क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर तुमको लगता है कि तुम भूल जाओगे एवरीविएशन uh, तो फिर लिख लो फुल फॉर्म ओके okay, तो वन इज एन पी वी सेकेंड इज आई आर आर एंड थर्ड इज पी आई का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो मैं तो नहीं लिख रही ए आर आर का फुल फॉर्म होता है काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड होता है पे बैक पीरियड और एक्चुअली मैं इसका अगर एक और लेना चाहूँ अगर इन केस लेना चाहती हूँ तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा ये तो ये खत्म हो गया बस तुमको मेनली फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर में इस पे या क्रॉस भी पूरे पूरे एफएम के अंदर में और इस पे बाकी वो नहीं पूछते आई मीन इट इज़ ऑल डन विद सी एंडर एंड वी आर डन तो ये हो गया अप्रेजल क्राइटेरिया सीखना है तुम्हें कैसे निकालना एन पी वी आर आई डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू कंप्यूट एन पी वी हाउ टू कम्प्यूट आई आर आर एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम अननेसेसरी क्या कहते हो एक एक टॉपिक एक एक लेकर के एक्सप्लेन करूँ एक फार्मूला खाली लिख दूँ क्या तीनों का ज़्यादा अच्छा रहेगा राइट एक फॉर्मूला खाली लिख देती हूँ क्यों क्या कहते हो निखिल क्या कहता है एक फॉर्मेलिटी के लिए राइट ना हाँ वो तो मतलब पूरी जगह ही पढ़ा है मैंने अगर वो नहीं आता तो क्या आता है लेकिन फिर भी हो सकता है एक डिफरेंट व्यू मिले तुम्हें एन पी वी एक मिनट का खाली टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू ओके एंड दिस इज लाइक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कभी कभी लिखने से थोड़ी इंसाइट मिलती है और कुछ नहीं होता कैश इनफ्लोस, एक्चुअली हम क्या लिखते पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू क्यों लिखा क्योंकि तो कई सारे प्रोजेक्ट में पैसे एक साथ नहीं जाते जीरो में वो uh, जाते रहते हैं धीरे धीरे करके तो डिपेंड करता सम में कैसे दिया या फिर अगर एक ही है तो आउटफ्लो हो जाएगा पी uh, लिखने की तो जरूरत नहीं है बट यूज यूर कॉमन सेंस आई डोंट थिंक आई नीड टू टीच मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल्यू अबाउट दिस टॉपिक इज दैट एन पी वी एडसअप डायरेक्टली टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट डालती है तो मैंने कई बार ये बातें बोली है कि मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट मोटो होता है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स ये सबसे बड़ा उनका एजेंडा होना चाहिए एंड वेन एवर दे आर टेकिंग अ डिसीजन लाइक कोई भी चीज़ के बारे में कोई प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन ले रहे हैं या कोई मर्जर के बारे में डिसीजन ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ के बारे में तुम डिसीजन डिविडेंट पॉलिसी के बारे में डिसीजन ले रहे हो बोनस के बारे में ले रहे हो राइट्स के बारे में ले रहे हो तुमको एक और एक ही चीज़ अपने ध्यान में रखना है और वो चीज़ होती है अबाउट द शेयर होल्डर्स वेल्थ स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी शुड बी टू इनक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स वेयर वेल्थ इज मेजर्ड बाई मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्चुअली ये ध्यान रखना है तुमको ठीक है तो मैं तुमको क्या कहना चाहती हूं कि काइंड ऑफ एन पी वी एड्सअप मेरा दिमाग कहीं और गया एक्चुअली एन पी वी एड्सअप डायरेक्टली टू द वेल्थ ऑफ़ द शेयर होल्डर्स मतलब सबको देने के बाद सबको देने के बाद जो बचेगा वो रिजर्व्स में चला जाएगा अब तुम खुद ही सोच के देखो कि अगर तुम्हारी बुक बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि तुम्हारी मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी इसलिए जब भी कोई मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिसाइड करेगा उनको बहुत ज़्यादा केयर के साथ करना चाहिए बिकॉज अगर एन पी वी नेगेटिव हुई तो जिस तरह से एन पी वी डायरेक्टली टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स इट विल स्पॉयल द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स एज वेल बिकॉज अगर आपने सौ करोड़ का प्रोजेक्ट किया और आप नेगेटिव ट्वेंटी फाइव करोड़ लेकर के आते हो तो वो पच्चीस करोड़ कोई और नहीं सहने वाला है ना तो डिबेंचर वाला सहने वाला है ना लोन वाला सहने वाला ना या, या फिर कोई और भी नहीं सहने वाला है दैट नेगेटिव नेगेटिव हैज़ क्या कहते हैं कि भाई आप मेरा बढ़ा नहीं सकते, मत बढ़ाओ चलेगा, उसको आप खराब तो मत करो कम से कम तो ये कॉन्सेप्ट एनपीवी के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इट्स नॉट अबाउट ओनली लिखाउ क्या इसको ये लिखू यहाँ पे एक स्टार करके बट आई राइट दिस सो एन पी वी एड्सअप मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है या तो मैं वो टॉपिक कर मैं करूंगी तो फिर मैं अच्छे से करूंगी आई आई कैंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द टीचिंग पार्ट ओके एनपीवी अप डायरेक्टली टू द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स Hence, it is the duty of management to exercise mm -hmm. diligence. While choosing projects ठीक है खत्म हो गया ये बी आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंटरनल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली पता है तुम्हें एक बात कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं अगर एक प्रोजेक्ट या दो प्रोजेक्ट्स के बीच में चूज़ करना चाहती हूँ भाई मैं ये लूँ कि ये लूँ पॉसिबल है ना तो तुमको नहीं लगता कि अप्रेजल क्राइटेरिया जो हम यूज़ कर रहे हैं सबसे ज्यादा क्या यूज़ करते हैं एन और आर आर आई यूज़ करते हैं राइट और तो कुछ यूज़ करते हैं नहीं पी आई यूज़ करते हैं तो पी आई भी क्या होता है एन पी वी जैसे तुम्हें पी वी ऑफ कैश इन्फ्लोज माइनस पी वी एफ कैश आउटफ्लो देता है और पी आई विल भी पी वी ऑफ कैश इन्फ्लोज डिवाइडेड बाई पी वी एफ कैश आउटफ्लो होता है वो रजिस्ट्री में होता है बात एक ही हो जाती है अल्टीमेटली तो तुमको नहीं लगता कि जब भी हम लोग एनपीवी और आई की हेल्प से अगर दो प्रोजेक्ट के बीच में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा कि हमको दोनों मेथड हमें बोले कि भाई ए लेना है या दोनों बोले कि हमें बी लेना है कितनी मुश्किल हो जाएगी अगर एनपीवी बोलेगा ए लो और आई बोलेगा बी लो हाँ ना क्लैश होगा ना क्लैश नहीं होगा ऐसे तीन सिचुएशन होते हैं जहां पे ये दोनों क्लैश कर जाते हैं Uh, मुझे एग्जैक्टली exactly तीनों साथ याद है कि नहीं याद है मुझे ये करना पड़ेगा पर जो भी याद है बोलती हूँ सबसे पहली बात कि अगर मान लो दो प्रोजेक्ट है एक में एक हजार करोड़ का सुनना ध्यान से और वो बोलना मुझे एक में एक हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट uh, आ रही है ओके और वो बन जाएगा पंद्रह सौ करोड़ मतलब तो बेसिकली पी वी ऑफ कैश इन फ्लोज उसका पंद्रह सौ करोड़ है समझ में आई बात तो एनपीवी कितना आएगा पाँच सौ करोड़ का सुनना और प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट है सौ करोड़ की और उसका एनपीवी है सौ करोड़ समझा तो इन नॉर्मल सिनेरियो लोग कहते हैं कि आपको आ, पहला वाला प्रोजेक्ट लेना चाहिए ऐसा क्यों जबकि अगर देखा जाए तो पहला जो प्रोजेक्ट है उसने 50% परसेंट तुमको दिया है सो तो दूसरा वाला 100% परसेंट दे रहा है करेक्ट ना कमा करके रिटर्न वाइज अगर देखो रफली आया ना बोलो जल्दी अब देखो घुस गई मैं तो तुमने बोला मैम लिखाओ तो मैं घुस जाऊंगी तो उसके बाद थोड़ी ना खेसे लिखा के एबीसीडी करके छोड़ दूंगे ऐसा नहीं कर सकते क्यों पता है तुम्हें तो वो क्या बोलते हैं क्योंकि अगर अम, या एन का अमाउंट ज्यादा है तो शेयर होल्डर्स के लिए तुम पांच करोड़ का वेल्थ जनरेट कर रहे हो लेकिन दोनों कंपेरेबल भी तो नहीं है ना एक में तुमने हज़ार करोड़ लगाया एक में तुमने सौ ही करोड़ लगाया दोनों कंपेरेबल नहीं है तो ये लोग क्या कहते हैं कैपिटल बजटिंग की अपनी फिलॉसफी होती है उस फिलॉसफी के अंदर ये बोलते हैं कि अगर आपके पास कैपिटल रैशनिंग नहीं है मतलब आपके पास अगर पैसों की कमी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको प्रोजेक्ट ए लेना चाहिए लेकिन अगर आपके पास में कैपिटल रैशनिंग है मतलब आप जोड़ जोड़ के पैसा और आपको पैसे यू नो आई 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 होप यू आर गेटिंग द पॉइंट अगर कैपिटल राशनिंग का मतलब वो पैसों की अगर दिक्कत है तो उस सिचुएशन में आपको प्रोजेक्ट भी लेना चाहिए मतलब मेरे कहने का है कि अगर ये सब्जेक्ट बहुत डिटेल में अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है फाइनेंस की बात कर रही हूँ मैं तो ऐसे सब बोलते हैं नंबर टू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कैश फ्लो का जो पैटर्न होता है ना तुम्हारा तो कैश फ्लो पैटर्न में कैसे होता है कि जीरो में हम नेगेटिव दिखाते हैं और फिर वन टू थ्री फोर फाइव में हम लोग दिखाते हैं पॉजिटिव या फिर जीरो और वन में नेगेटिव दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग पूरा पॉजिटिव दिखाते हैं यही नॉर्मल पैटर्न होता है कि भाई हमने शुरू में पैसे डाले बाद में पैसे आने लग गए या हम शुरु, हमने शुरू में दो साल पैसे डाले और बाद में पैसे आने लग गए ऐसे होता है लेकिन कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे भी तो होता है जहाँ पे नेगेटिव हुआ फिर दो साल पैसा आया उसके बाद फिर से पैसे डाले फिर चार साल आया फिर पैसे डाले ऐसे तो अगर ऐसा वाला प्रोजेक्ट होगा ना जहां पे वो जो आई होप <laughs> तो, तो बेसिकली ऐसे वाले जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज होते हैं ना वहां वहां पे मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम होता है आईआरआर क्या होता है द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन इज इक्वल टू आउटफ्लो ये होता है ना तुम्हारा तो अब एनपीवी तो तुमने एनपीवी तो एक ही निकलेगा तुम्हारा आईआरआर वाले केस में प्रॉब्लम आ जाती है कोई एक रेट पे ऐसा नहीं होता मतलब दो से एक से ज़्यादा रेट होगी जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन इज इक्वल टू आउटफ्लो एक्चुअली दैट इज़ द प्रॉब्लम तो दो तो मुझे याद है तीसरा मुझे आई थिंक मेचोरिटी का इश्यू होता अगर दोनों की मेचोरि अगर दो प्रोजेक्ट है और दोनों की मेचोरिटी अगर बहुत डिफरेंट है तो इन दैट सिचुएशन आल्सो भी क्लैश होगा हो सकता है कि एनपीवी बोलेगा ए लो और आईआरआर बोलेगा बी लो ऐसा आई होप यू गॉट द पॉइंट याद आ गया तीनों का तीनों बहुत पहले आ, बहुत दिनों से अंदर में हुआ नहीं लेक्चर एंड बट या मुझे ऐसे अभी लग रहा है कि मुझे शोएब ने बोला कि मैम एक बार देख लेना आप बहुत सालों से नहीं पढ़ाए हो पढ़ाया इंटर में पढ़ाई बट इंटर में क्या एडवांस लेवल नहीं है इतना ज्यादा प्रशांत ही नॉर्मली अपन करेंगे तुमको इस लेवल के क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं वो लोग पूछेंगे ये तीन सिचुएशन जो मैंने बोला मुझे तो नहीं लगता ये पूछेंगे वो लोग अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया इसलिए बोली मैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो लोग कॉन्सेप्ट तुम्हारा चेक करेंगे तो इसलिए मैंने बोल दिया वहाँ पे लेकिन तो तुमको भी यही करना है अगर दो प्रोजेक्ट है और दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग है ऑब्वियस ओब्वियसली बात है तभी तो क्लैश होगा तो अगर तुम्हारे कैपिटल रैशनिंग नहीं है तो गो विद अ हायर एन बी प्रोजेक्ट ओके तो पाँच करोड़ रुपया एड होगा ना वेल्थ को तो ज़्यादा वो अला में लेना चाहिए क्योंकि पैसे तो वैसे ही पड़े हुए तुम्हारे पास में और अगर कैपिटल रैशनिंग है मतलब दिक्कत है पैसों की और तुम फुक फुक के कदम रखना चाहते हो या यू यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न इन दैट केस यू शुड गो विथ प्रोजेक्ट बी ठीक है समझ में आया ऐसे दिमाग में आ गई अलग टॉपिक तो लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न द रेट एट विच हाँ मतलब वैसे द रेट एट विच द पी वी ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू पी वी ऑफ आउटफ्लो इज आई आर आर इफ irr of a project is greater than kc we should accept the project c profitability index पी आई तो दिस इज लाइक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, द होल डिवाइडेड बाय पी वी ऑफ आउटफ्लो ये इस मेथड को ना एनपीवी से ज्यादा सुपीरियर मानते हैं एक्चुअली क्यों सुपीरियर मानते हैं क्योंकि एनपीवी हमें अमाउंट में देता है एप्सोल्यूट अमाउंट में आंसर देता है तो हम तुम एग्जैक्टली exactly तुमको पता नहीं चलता तुम कितना कमा रहे हो ओके okay? लेकिन जब तुम ये करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश तुम्हारा करोड़ है और तुमने इन्वेस्टमेंट हजार करोड़ की करी है करोड़ ना तो वन पॉइंट फाइव आएगा इसकी मीनिंग ये होती है कि यू आर बेसिकली अर्निंग हाउ मच हाउ मच आर यू अर्निंग बताओ हर एक रुपी पे हर एक रुपी पे तुम पचास पैसा कमा रहे हो इसलिए इस मेथड को सुपीरियर मानते हैं बिकॉज इट टेल्स यू दैट what are you exactly earning for every one rupee invested and that is why this is regarded as a superior method okay ha ha so this method provides answer as to The return for every वन rupee, every rupee one invested. Absolute amount में वो पता नहीं चलता ना but ये दिमाग मत लगाना भी जो मांगेगा वो आंसर निकालने का एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना चाहिए तो ये खत्म हो गया बिकॉज ये तीन पे ही हमको फोकस करना है ये तीन ही है मैंने कहीं भी आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसके अंदर में बाकी ये पूछते ही लोग आई मीन बिकॉज दिस इज टू बेसिक लेवल फॉर देम टू आज तुमको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हायर लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे इसलिए इन तीनों पर हमें फोकस करना है मैं सोच रही हूँ एक थेरी और लिखा के ख़त्म कर देती हूँ उसके अलावा कुछ फिर बचेगा नहीं स्पेशल डिसीजन सिचुएशन बिकॉज जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें सब मिक्स करके आएगा अभी अब जो मैं चालू करूंगी तो मुझे अब जब तक कि रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग नहीं आता है तब तक मुझे अब थियरी के लिए रुकना नहीं है मीन मैं इनकी जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहां तो लिखवाऊंगी ऑफ़ कोर्स लेकिन हाँ मतलब मिनट मिनट चेंज नहीं करना अपने को क्या नाम दिया मैंने टॉपिक का अप्रेजल क्राइटेरिया स्पेशल डिसीजन सिचुएशन स्पेशल मतलब ये सारे सम्स भी इसी के कैपिटल बजटिंग के अंदर आते हैं मतलब तो यूजुअली इंसान को कैसे लगता है कि भाई कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं अगर तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हमें पढ़ना चाहिए ये तुमको ये बताएगा कि खाली नए प्रोजेक्ट के बारे में हम नहीं बात करते हमें हमारा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है हमें मशीन रिप्लेस करनी करूँ कि नहीं करूँ ओके कर डिसाइड हो गया करनी है करूँ तो कब करूँ यू नो दैट वे अच्छा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्लांट कैसे निकालें एनुअल कैपिटल चार्ज कैसे निकालो ओके देन रियल ऑप्शंस के जो सम्स होते हैं एपीवी के ये सारे भी कैपिटल बजटिंग बजटिंग के अंदर ही आएंगे तो लिखा देती हूँ मुझे आठ हैं टोटल अगर सारे याद नहीं आएंगे तो रहने देना धीरे धीरे मुझे याद आ जाएगा ठीक है जितने याद आते हैं मैं लिखाती आती मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा मैं भूल जाऊँगी बट लिखो स्टार्ट कर दो नंबर वन इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग Then, number two, replacement of a project. Number three, timing of replacement. Point number four, computing. इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ प्लांट एनुअल या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग पता है प्लांट्स विथ एन इक्वल लाइफ्स मतलब दोनों में से कोई एक लेना लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते तुम क्योंकि दोनों की लाइफ अलग एक की लाइफ पांच है एक लाइफ सात साल है तो दे आर नॉट कंपेरेबल एक्चुअली ओके देन सिक्स एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू तुमको पता है फास्ट ट्रैक बैच में Uh, जितने क्वेश्चन मैं तुमको कराने वाली हूँ ना इतने ही क्वेश्चन मैंने फास्ट ट्रैक में कराए हैं तीन दिन में पूरा तीन दिन में पूरा कैपिटल बस्टिंग ख़त्म पूरा जितने तुमको कर, और जिस मैं बहुत भगा के पढ़ा ही नहीं सकती मेरे बस का नहीं हो मतलब मुझे लगता है कि मेरे रोज के काम में मैं ब्लड प्रेशर अपना नहीं बढ़ा सकती इट्स अ डेली जॉब राइट डेली जॉब तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी तो वो और आराम से लेकिन हाँ ब्रेक्स नहीं देती थी मैं पाँच छः घंटे के लेक्चर में बीस मिनट का ब्रेक देती थी एक वो भी तो मतलब तुम तो हम चाहें तो हम वो कर सकते हैं खत्म मतलब तो करा जा सकता है पोर्शन ख़त्म और नक्की कर दो काम खत्म लेकिन क्या कि बच्चे बैठते हैं बैठना नहीं चाहते हैं। रेगुलर बैच में खास करके जिन बच्चों का एग्जाम बहुत दूर रहता है वो तो उनको लगता है ठीक है ना क्यों इतना भगाना है एंड ऑल दैट तो वो भी गलत नहीं है और जिन बच्चों का एग्ज़ाम पास रहता है उनको लगता है मैम कर करा के आप फिनिश करो बैठ जाते हैं एक दो तीन दिन, दिन इस हर्ष मेवाड़ा का सबसे पहले आंसर है उसका एग्जाम नहीं है ना सामने वो कभी कभी आता है क्लास में पढ़ता अच्छा है बच्चा पढ़ता बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद भी है उससे वैल्यू मेथड। ओके एंड उसके बाद आएगा रियल ऑप्शन एक और है एक और नाम नहीं याद आ रहा लेकिन वो क्या है पता है तुम्हें कि जैसे मैं नहीं बोल रही थी कल के लेक्चर में नाम नहीं याद आ रहा भाई रहने दो एट लिख के छोड़ देती हूँ याद आज आ जाएगा या तो आज आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा लेकिन रहने दो एक है और वो भी डा बिकॉज सम है उसके ऊपर में कि जैसे तुमने एक अगर प्लांट लिया ओके तो प्लांट वन एंड वन के साथ थ्री को लेना ज़रूरी है यू नो या फिर तो कॉम्बिनेशन क्रिएट करने हैं तुम्हें कॉम्बिनेशन क्रिएट करने तो कॉम्बिनेशन क्रिएट करते समय तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हें एन वो कॉम्बिनेशन में किसकी एन सबसे ज़्यादा है Uh, एक तो ये तरीका है या फिर ऐसे बोल सकते हो कि सबसे खर्चा कम कॉम्बिनेशन का और इनफ्लो सबसे ज्यादा तो वो एक टॉपिक आता है नाम नहीं आता एग्जैक्टली इट्स ओके आई पहले तो मैं मतलब मुझे घबराहट हो जाती है अरे मैं भूल गई कोई चीज़ भूल गई तो अब मैं एकदम शेमलेसली बैच में बोलती मैं भूल गई मैं बाद में बताऊँगी तुमको एंड बच्चे बोलते हैं हंसते भी बच्चे मैम ये भी बोलती है कि मैं भूल गई करके इट्स ओके एंड कम्प्लीटली फाइन एज ए ह्यूमन बींग राइट तो अभी करने को बहुत कुछ है बिकॉज वी हैव टू लाइक बहुत सारे अभी इतने के साथ इतने सारे सम्स करने होंगे तो मैं कि तुम सोच भी नहीं सकते चलो स्टार्ट करती हूं मैं रेडी हो तो क्वेश्चन नंबर वन उठाते हैं राइट क्वेश्चन नंबर रेडी ओके कौन कौन सा अच्छा बच्चा बैठा है तो एक, एक तो कोई आया था चला भी गया खुशी ओके थैंक यू फॉर कमिंग हमारा हौसला अफजाही के लिए जिनको हिंदी नहीं समझती है फॉर बूस्टिंग आवर मॉरल एंड मोटिवेशन एंड एवरी थिंग हौसला अफजाही मतलब मुझे इतना नहीं आता वो ज नहीं है ज है ज के नहीं तो नीचे ना एक नुकता लगता है पता है इनको पता ही नहीं है ये सब इंग्लिश पढ़ पढ़ के मैं भी पढ़ी हूँ डन माई एजुकेशन फ्रॉम कॉन्वेंट माई मॉम थॉट दैट माई गर्ल शुड स्टडी फ्रॉम कॉन्वेंट दे आर लाफिंग हौसला और एक तो और एक बात बताती हूँ बहुत लोगों को तीन तरह के स होते हैं ओके श ओके वो एक तालव्य एक वो ऐसा वाला श उसमें भी दिक्कत होती है बोलने में हर्ष बोलता मैं मुझे हिंदी आती है तो जो हौसला अफजाही जो बोला ना जा, तो वो ज के नीचे ना डॉट लगता है इन बॉम्बे वाले बच्चों को बोल रही हूँ यस yes, अफजाई नहीं हाँ भाई ही होना चाहिए वैसी वाली बात है चलो बोलो मैम बोर कर रही है स्टार्ट अब लेना चाहिए ना सम तो ले लू हमारी गाड़ी आगे निकल गई और ये कौन सा पेज है टू एटी फाइव बहुत लंबा जाना पड़ेगा टू हम्म hmm. hmm. बहुत इंटरेस्टिंग समय मतलब कॉमन सेंस वाला सम है मुझे थोड़ा मोटा करके मुझे अच्छा लगता है चलो अब प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एनिशियल आउटले ऑफ रुपीज टू हंड्रेड लैक्स बहुत कंफर्टेबल जाने वाला कैपिटल इसलिए मैं आराम आराम से कोई स्ट्रेस नहीं बस खाली पढ़ने के लिए पढ़ना है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको अंडर माइन uh, कर दोगे इक्विटी फंड्स कंप्राइज रुपीज एटी लैक्स एंड देर इज अ फिफ्टीन परसेंट टर्म लोन ऑफ रुपीज़ वन ट्वेंटी लैक्स टू बी रिपेड इन फाइव इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट ध्यान देना इंटरेस्ट इंक्लूसिव मतलब ई ए आई के बारे में बात हो रही है द एंटायर इन्वेस्टमेंट इज इन फिक्सड असेट्स इंक्रीमेंटल ई बी डी आई टी फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज सेवेंटी लैक्स ईच ईयर ओके कितने साल के लिए पाँच द प्रोजेक्ट हैज अ लाइफ ऑफ फाइव ईयर्स फाइंड द प्रोजेक्ट आई आर आर एंड इक्विटी आई आर आर ऑफ़ द प्रोजेक्ट इग्नोरिंग टैक्सेस ये मेरा सामने इंस्टीट्यूट का सम है अगर मैंने तुमको पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझाया होता तो तुमको इसकी मीनिंग कभी भी नहीं समझ में आएगी दैट मीन्स तुमको उस कैश फ्लोस का आई आर आर निकालना है जो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और उस कैश फ्लोज का आई आर आर निकालना है जो लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है टोटल फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कराया भी नहीं और वो पूछते भी नहीं कहीं भी बट तुमको ये डिफरेंस तो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर में देखो लिखा हुआ है इग्नोरिंग टैक्सेस इसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल जाएगी उसका रीजन बता देती हूँ तुम्हें तो सबसे पहले देखो बिना लिखे नहीं समझेगा सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रोजेक्ट आई आर आर ओके तुमको जो शेड्यूल बनवाया है ना मैंने कल लास्ट uh, लेक्चर में वो शेड्यूल इसीलिए बनवाया ताकि तुम देख पाओ कि कैसे फ्लो चलना चाहिए तुम्हारा अब अगर मैं प्रोजेक्ट आईआरआर की बात करूं दैट मींस आई हैव टू कंप्यूट आईआरआर फॉर अ कैश फ्लो पैटर्न व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ना और टैक्स है नहीं सेल्स वगैरह दिया नहीं है सोचो ना इमेजिन करो ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया नहीं है सीधा तुमको ई दिया है नहीं बी से सम चलेगा तुम्हारा तो ईबी EB, ईबीडीआईटी से एक चीज़ मैं भूल गई हूँ तुमको सिर्फ बताना और वो है डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग तीन मेथड से कर सकते हैं हम लोग बिकॉज यू नॉर्मली हम कौन सा जानते हैं कि हम माइनस करो डिप्रिसिएशन बाकी सारे खर्चे जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से माइनस करो टैक्स काटो उसका डिप्रीसी को ऐड बैक कर दो वो जो आंसर आता है उसको लाने के दो और भी तरीके हैं तो वो कैसे क्योंकि कोई सम में मैं तीनों मेथड आने चाहिए कैप्रोस्टिंग के, के अंदर में, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर में कोई एक एक मेथड हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा मतलब बोलते हैं ना कि अगर तुम वो मेथड लगाओगे तो हो सकता है कहीं तुम फंस जाओ तो तुमको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि तुम पतली गली से निकल के तीनों में से कोई एक मेथड बिकॉज देखो कई बार क्या होता है कि जैसे तुमने बिकॉज तुमने डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस किया ना तुम्हारे कैश फ्लोस नेगेटिव हो गए अब वो नेगेटिव कैश फ्लोस पे टैक्स की शील्ड एंड ऑल दैट तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है अगर मेथड नंबर टू या मेथड नंबर थ्री से जाते हो मतलब डेप्रिसिएशन माइनस ही मत करो तो कैश फ्लोस तुम्हारे घटेंगे नहीं बहुत ज्यादा आई होप यूर गेटिंग द पॉइंट या फिर आगे आएगा तो बता दूंगी तुमको मैं ठीक है तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रोजेक्ट आया अब इसके अंदर तुम्हारा जो ईबीडीआईटी है टैक्स नहीं है वो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन दैट इज वाई द क्वेश्चन विल बिकम वेरी सिंपल ये ईबीडीआईटी है तुम्हारा ओके सेवेंटी लैक्स का इमेजिन करो कैश कैशलॉस को डेप्रिसिएशन जब टैक्स नहीं है तो डू यू थिंक डेप्रिसिएशन हैज गॉट एनी रेलिवेंस आया ना अगर डेप्रिसिएशन नहीं है सॉरी टैक्स नहीं है तो डेप्रिसिएशन का कोई भी रेलिवेंस है क्या मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मान लो सत्तर लाख का सुनना ध्यान से सत्तर लाख का तुम्हारा ईबीडीआईटी है अगर सब में डेप्रिसिएशन मान लो कि दस लाख का इमेजिन करो ओके एसएलएम में पांच साल का समझो कुछ तो भी इस क्वेश्चन के अंदर में क्या लिखा है कि सारा का सारा पैसा उन्होंने किस में डाल रखा है पता है फिक्सड एसेट में पैसे सारे डाल रखे हैं राइट तो अगर क्वेश्चन में टैक्स होता और अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन नहीं भी दिया होता तो भी मैं अज्यूम करती मैं 200 लाख को डिवाइड बाई पांच कर देती एस एल एम करके मैं डिप्रिसिएशन जरूर करती लेकिन क्वेश्चन के अंदर में टैक्स ही नहीं है तो 200 लाख में से मान लो दो लाख को मैं डिवाइड बाई पांच कर देती हूँ कितना आएगा दो सौ बाई पांच चालीस लाख तो फोर्टी लैक्स में माइनस करूंगी सुनो ध्यान से सत्तर में से मान लो कि तुम चालीस माइनस करते हो टैक्स तो है नहीं और वापस वापिस बैक करोगे तो क्या होगा नील इफेक्ट आएगा ना कैन यू अंडरस्टैंड एम टॉकिंग समझ आ रहा है क्या हाँ ही आएगा ना वो तुमने पहले माइनस किया फिर तुमने बैक कर दिया टैक्स की वजह से वो डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्स है नहीं तो वो मतलब ही नहीं है ओके okay, तो एक बात हो गई अच्छा ई बी डी आई टी में से डिप्रिसन हम माइनस करो नहीं करो इट इज इलिवेंट बिकॉज टैक्स नहीं है अब आ जाओ ईबीआईटी आ गया ओके तो ई में से लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू में आ, तुम आई माइनस नहीं करोगे और ना ही तुम्हारी रीपेमेंट होगी हां या ना ना ही तुम आई माइनस करोगे ना ही तुमको रीपेमेंट होगी सुनो मैं सारी चीज बताऊंगी तुमको ना ही तुमको आई माइनस होगा ना ही रीपेमेंट होगा ठीक है ना तो ई बी आई टी वन माइनस टी में ई बी आई टी वन माइनस टी का मतलब ई बी आई टी वन माइनस टी का मतलब यहां तक हुआ ई बी डी आई टी ओनली अब जो तुम्हारे क्लोजिंग कैश फ्लोस हैं तो रिकवरी ऑफ असेट करेंट असेट सब में दिया नहीं है रिकवरी ऑफ फिक्स्ड असेट मैं अज्यूम कर रही हूं मैं अज्यूम कर रही हूं कि बुक वैल्यू इज इक्वल टू सैलवेज वैल्यू बुक वैल्यू इज इक्वल टू सैल्वेज वैल्यू जो मतलब बुक में भी खत्म हो गया और सैलवेज में बिकॉज दिया हुआ नहीं है सब में फंड रिपेमेंट होगी नहीं बेसिकली हियर कैशलोज मीन ईबीडीआईटी सत्तर लाख ओनली नथिंग कमिंग बिलो दैट तो फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड पॉइंट ऑफ व्यू अगर बनाओगे यह लिखना है क्या यू वॉन्ट टू राइट ऑल दिस लिखना है ओके सो आई कैन प्रिपेयर अ शेड्यूल एक्चुअली देखो ध्यान से सो नोट ईबीडीआईटी रुपी सेवेंटी लैक्स करके दिखा देती हूँ ना कुछ नोट्स और भी यहां भी नोट्स आने चाहिए रेड में नोट्स आने आएंगे यहां पे सिंस डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड टीचिंग नोट है ये टीचिंग नोट है लेट्स अज्यूम एस एल एम देर फोर टू हंड्रेड लैक्स डिवाइड बाई फाइव विल गिव यू रुपीस फोर्टी लैक्स ठीक है सो लेस डेप्रीसी खाली दिखा रही हूं भाई रुपीज फोर्टी लैक्स ओके रुपीस थर्टी लैक्स इबीआईटी लैस टैक्स सो दिस इबीआईटी वन माइनस टी रुपी थर्टी लैक्स नाव एडबैक डेप्रिसियेस रुपी फोर्टी लैक्स सो कैश फ्लो इज रुप सेवेंटी एंड देर इज नो देर वुड बी नो री पेमेंट ओके देर वु नो इंटरेस्ट का पेमेंट नो री पेमेंट बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म अंदर से मतलब इनसाइडर है ना बेसिकली वो तो वो दोनों नहीं माइनस होगा सबसे पहले ये सोचो ना टर्मिनल में टर्मिनल में चार तरह के कैश फ्लो होते हैं चार उंगलियों पर टिकमा किया करो चार क्या क्या होता है रीपेमेंट टू द लोन्स एंड डिबेंचर्स या जो बाहर के लोग उनको रीपेमेंट होती है करेक्ट है इसमें एक ही बाहर का है अगर सोचोगे तो और वो है लोन वाला मतलब बेसिकली जो भी है बंदा उसको रीपेमेंट करनी नहीं है बिकॉज वो कौन है वो इनसाइडर है री रीपेमेंट 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 का री टू री टू लॉन्ग टर्म टर्म शॉर्ट मतलब मेरे बोलने में शायद मैं एक साथ बोल गई तो रीपेमेंट टू लॉन्ग टर्म होगा नहीं शॉर्ट टर्म दिया नहीं है थर्ड रिकवरी ऑफ एफ ए रिकवरी ऑफ या तो सीए बोलो या फिर रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलो एक ही बात है तो या तो सीए रिकवरी ऑफ सीए एंड रीपेमेंट टू सीएल एक ही साथ रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाएगा जैसे भी होगा तो अगर रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल करोगे तो फिर तुम्हारे टर्मिनल कैश में तीन ही हो जाएगा ना रीपेमेंट टू द लॉन्ग टर्म ओके एंड उसके बाद रिकवरी ऑफ एफ एंड रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल तीन ही आएगा अगर तुम सी और सी अलग अलग ट्रीट करोगे तो रीपेमेंट टू लॉन्ग टर्म रीपेमेंट टू शॉर्ट टर्म रिकवरी ऑफ एफ रिकवरी ऑफ सी समझ रहा है क्या क्या आएगा लॉन्ग टर्म फंड ऑफ व्यू से इसमें नहीं आएगा ना लॉन्ग टर्म फंड ऑफ व्यू में नहीं आएगा ये ये, ये खत्म हो गया समझ गया ना ये वाला पार्ट हाँ तो वी आर डन दैट मीन्स अगर मैं नहीं भी लिखती नहीं भी लिखती यहां पे तो भी अपने को मतलब मैं तो समझाने के हिसाब से रही हूँ देर फोर या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंस we do not have c and cl and no salvage for fa is given we assume बुक वैल्यू इज इक्वल टू सेल्विज वैल्यू ठीक है खत्म हो गया कुछ है ही नहीं इसके अंदर में देर फोर ई बी डी आई टी इज इक्वल टू नेट सी एफ खत्म बात ऐसे नहीं कि क्यों किया तुमको हर चीज क्लियर ये क्यों नहीं लिया वो क्यों नहीं लिया जीरो टू हंड्रेड नेगेटिव और यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव सेवेंटी 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 निकालो इसका आई आर आर निकालना है तुमको ओके तो अभी क्या करोगे अभी कैलसी पे करो डायरेक्टली ओके तो सेवेंटी इंटू फाइव कितना थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी माइनस टू हंड्रेडिये व्यू वन फिफ्टी डिवाइड बाई फाइव थर्टी परसेंट हो रहा है फिर से वो करूँ तुम्हारा पता नहीं ना कौन सी रेट से करो इसलिए कर रही हूँ थ्री फिफ्टी कैसे निकाला सेवेंटी इंटू पांच थ्री फिफ्टी इतना पैसा पूरा आया पांच साल में माइनस गया कितना था दो सौ कितना बचा वन फिफ्टी कितने साल में आया डिवाइड बाई पांच थर्टी लैक्स ,00 क्या किया मैंने हाँ थर्टी एक्स्ट्रा कमाया मैंने तीन सौ पचास में से तुमने लगाया भी तो डेढ़ सौ कमाया ना कमाने की बात कर रहे हो डेढ़ सौ लाख पूरा कमाया पर एनम कितना कमाया थर्टी कमाया नाउ थर्टी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए थर्टी डिवाइड बाई दो सौ करो कितना आया पंद्रह परसेंट ओके तो मैं तुमको क्या बोल रही पता है तुम्हारा आंसर कहां पे लाई करेगा तुम्हारा आंसर बाईस ट्वेंटी टू परसेंट के आसपास में लाई करेगा कैसे कैसे कैलकुलेट करती हूँ मैं नहीं बताऊंगी तुमको चलो स्टार्ट सो टोटल इनफ्लोस बताऊंगी डोंट वरी थ्री फिफ्टी लेस आउट करो तो सही फिर उसके बाद बताऊंगी तो मजा आएगा ना टू हंड्रेड नेट इनफ्लो वन फिफ्टी इन्फ्लोज एवरेज इनफ्लोस पर एनम इज वन फिफ्टी डिवाइड बाई फाइव दिस इज थर्टी ओके रिटर्न एनम इज थर्टी डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड फिफ्टीन परसेंट तो तुम्हारा आयर पंद्रह के आसपास है ही नहीं इसका तुम्हारा आयरन होगा बाईस ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री परसेंट ट्वेंटी वन से ट्वेंटी थ्री परसेंट के बीच में लाई करेगा करोगे डिस्काउंटिंग फटक से निकालोगे तो एट आर इक्वल टू ट्वेंटी टू परसेंट र एच एस की वैल्यू पी वी ए कर दो ना सेवेंटी इन टू पी वी ए ट्वेंटी टू परसेंट कॉमा फाइव निकालो वैल्यू तो एक वैल्यू निकाल और एक वैल्यू चाहिए टू हंड्रेड से ज्यादा और एक वैल्यू टू हंड्रेड से कम और मुझे तुम दोगे एक सेकेंडो ट्वेंटी टू परसेंट नहीं बता रही मैं तुझे नहीं बता रही कर तो सही कितना आंसर बता तो सही कितना आई वैल्यू कितनी आई प्रशांत वैल्यू कहाँ से आई कितनी आई मतलब वन पॉइंट डबल एग्जैक्ट आया ना टू हंड्रेड अरे याद नहीं है मेरे को ट्रिक है मेरे पास यानी कि ये थोड़ा ज्यादा आ गया अपने ट्वेंटी थ्री ले लेते हैं वन नाइंटी सिक्स पॉइंट टू फोर ओके अभी अनोन रेट माइनस लोअर रेट डिवाइडेड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट सो टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड मतलब आंसर आ चुका है तुम्हारा आंसर ट्वेंटी टू पॉइंट वन जीरो समथिंग आंसर आएगा बट तो वैसे तुम बोल नहीं सकते बाईस ही रेट एक्चुअली देखा जाए तो टू हंड्रेड पॉइंट फाइव वन वन नाइन्टी सिक्स पॉइंट टू फोर माइनस टू हंड्रेड पॉइंट फाइव वन क्या रेट निकालो फटाक से मुझे आंसर बताओ 22.12. सो बेसिकली द आईआरआर इज 22.12 टू पॉइंट ठीक है सोल्यूशन रहा मतलब ये तुमने निकाला है फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब डेट और इक्विटी दोनों के लिए ये आईआरआर है तुम्हारा ओके okay? करेक्ट तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग uh, नेक्स्ट वन इज कंप्यूटेशन लिखा क्या है यहां पे इक्विटी आई आर सो कंप्यूटेशन ऑफ ऑफ इक्विटी आई आर आर ओके okay. अब इक्विटी आर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कैश या ये ये यह वाला यहाँ पे लेती हूँ देखो यहाँ पे अब मान लो डेप्रिसिएशन 40 का तुमने माइनस किया ओके okay. 70 में से एक अज्यूम अग, अग, करो 30 लाख बचा अब इक्विटी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से आई माइनस होना चाहिए करेक्ट ना आई माइनस यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे आई माइनस होना चाहिए यहाँ पे ओके okay. री पेमेंट वाला पार्ट नहीं होगा रीपेमेंट वाला पार्ट इसलिए अगर टैक्स होता अगर टैक्स होता ना तो उन्होंने क्या बोला इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाएगा तो हमको अमाउंटाइजेशन टेबल बना करके एक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट को अलग अलग करना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट वाला पार्ट जाता टैक्स के पहले ओके और रीपेमेंट वाला पार्ट जाता यहाँ पे तुमको मतलब वो जो रीपेमेंट बोला ना मैंने चार आइटम होते तुम्हारे रीपेमेंट टू तु लॉन्ग टर्म रीपेमेंट टू शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म का मतलब करंट लाइबिलिटी रिकवरी ऑफ एफ एंड रिकवरी ऑफ सी ये बात मैंने बोली तुमको पॉइंट ऑफ इस सम के अंदर सी ए और सीएल वाला पार्ट तो है ही नहीं वो हटा दो बचे दो रीपेमेंट टू लॉन्ग टर्म वो आएगा ओके और रिकवरी ऑफ एफ ए होगा नहीं बिकॉज बुक वैल्यूज इक्वल टू वैल्यू कुछ उसके एडजस्टमेंट ही नहीं है सब दोनों जीरो हो गए हाँ टर्मिनल कैश में राइट तो यहाँ पे जब टैक्स नहीं है तो तुमको वो बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है समझ आ रही है बात मैं क्या कह रही हूँ अगर यहाँ पे टैक्स नहीं है तो तुमको बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यूर गेटिंग एग्जैक्टली मैं पता नहीं आई डोंट नो लेकिन मैंने बहुत पहले मुझे याद है कि मैंने इस क्वेश्चन में टैक्स लेके वापस ये सम किया था एक बार तब जा कर के बच्चों को एग्जैक्टली exactly समझा था कि क्या चक्कर चल रहा है करके उतना टाइम अगर तुम दोगे तो मैं वो तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सिर्फ एक टैक्स की रेट अगर तुम इसमें ले लो तो पूरा का पूरा जो सम है तुम्हारा उसका मतलब मैं जो बोल रही हूँ कि दोनों में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है वो मुझे पता है कि हंड्रेड परसेंट बच्चों को रिलेट नहीं होता उसके अंदर में ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कहीं कही ना कहीं पोर्शन खत्म भी करना होता है ओके तो रिपे टैक्स नहीं है ना तो तुमको बाई फर्केट क्यों करना है अगर टैक्स होता तो तुमको इंटरेस्ट ऊपर माइनस करना पड़ता है ई में और रीपेमेंट तुम करते टैक्स पे करने के बाद तो अलग अलग चलता है वो लेकिन यहां टैक्स नहीं है तो तुमको बाइफ्रिकेशन नहीं करना ईआई निकालो और सीधा सत्तर में से माइनस कर दो तो। समझ आ रही क्या चीजें इन ऑर्डर टू कंप्यूट कैश क्लोज फ्रॉम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हाँ करेक्ट करेक्ट रुक जा एक सेकेंड रुक कैश फ्रॉम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू पे इंटरेस्ट एंड लोन प्रिंसिपल एक नोट लिख देती हूं और आगे बढ़ जाती हूँ इफ टैक्स वॉज प्रोवाइडेड वी वुड हैव और ऊपर जो कैश कल बनाए हैं ना लास्ट लेक्चर में वो देखो जा करके सब समझेगा वी वुड हैव डिडक्टेड इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड प्रिंसिपल After tax, okay. since no tax is provided, we have to just remove EAI from rupees seventy lakhs.

फिफ्टीन परसेंट कॉमा पाँच तो ई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वो निकालनी पड़ेगी थर्टी फाइव पॉइंट एट जीरोस मेरे को सेवन नाइन आया राउंडिंग ऑफ कहीं पे हुआ है रुपीज थर्टी फाइव पॉइंट एट जीरो लैख सो ई बी डी आई टी रुपीज सेवेंटी लैख माइनस 34.20 लाख अगर टू टैक्स होता तो डिप्रिसिएशन माइनस करती फिर इंटरेस्ट माइनस करती फिर टैक्स माइनस करती तो वो आता और डिप्रीशन को फिर बैक करती तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता टर्मिनल में फिर क्या करती रीपेमेंट टू द लोन दिखाती प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट खाली ओके एंड शॉर्ट टर्म का दिया नहीं है सैलवेज uh, वैल्यू आएगी नहीं बिकॉज़ बुक वैल्यू वैल्यूल वैल्यू सेम है और करेंट uh, एसेट दिया नहीं है सब ने तो इस वजह से ऐसा नहीं कि इसमें क्यों नहीं लिया एंड ऑल दैट जो डेटा जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से सब चलेगा तुम्हारा अब तुम्हारी जो टाइम बनेगी वो इस तरह से बनेगी तुम्हारी इक्विटी वालों को कितना पैसा है एटी यहाँ पे तुमने ज़ीरो में एटी दिया है ओके और तुमने कमाया कितना वन टू थ्री फोर एंड फाइफ थर्टी फोर पॉइंट टू 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 ओके एक सेकेंड रुक जाना अब मैं तुम वैसे नहीं करी मैं मैं तुमको रेट बताऊंगी कहाँ से इंटरपोलेशन चालू करोगे थर्टी फोर परसेंट से करो थर्टी फोर परसेंट थर्टी फोर परसेंट थर्टी थ्री थर्टी फोर परसेंट के आसपास तुम्हारा आर आर होगा ट्राई कर लो एट आर इक्वल टू थर्टी फोर परसेंट ओके आर एच एस विल बी थर्टी फोर पॉइंट टू ओके इंटू पी वी ए थर्टी फोर परसेंट कॉमा फाइव सो वन पॉइंट थ्री फोर मेरे कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है मुझे देखने दो एक बार प्लीज़ एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दो एक ही मिनट प्लीज़ सो so, सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री वन आ रहा है इस सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री वन यानी कि अपने को रेट को थोड़ी कम करनी पड़ेगी थर्टी टू कर देते हैं एट आर इक्वल टू थर्टी टू परसेंट एटी पॉइंट टू वन ये भी ज़्यादा ये ज़्यादा आ गया ठीक है ना एटी पॉइंट टू वन सो अन माइनस लोअर रेट डिवाइड बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट एंड आर कॉरस्पॉन्ड्स टू एटी थर्टी टू कॉरेस्पॉन्ड्स टू एटी पॉइंट टू वन एंड दिस इज़ लाइक सेवेंटी सेवन पॉइंट थ्री वन माइनस एटी पॉइंट टू वन एंड आर की वैल्यू मैंने तो एक बार बोला था कि तुम तो मुझे कोई भी कैशो पैटर्न निकाल के दे दोगे ना मैं तुमको एक्जैक्टली कंपाउंडेड रेट के पास पहुंचा दूंगी अब देखो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट मेथड से जो किया रेट कहीं और ही है अगर मैंने जो मैं जो मैंने जो मैं जो करती हूँ कि भाई सबको ऐड करो फिर माइनस करो डिवाइड बाई पांच करो फिर उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करो तो वो जो रेट आ रही है तुम्हारी और जो रेट एक्चुअल में कंपाउंडेड रेट है उसमें कितना बड़ा गैप है दैट इज वाई वॉट विल हैपन हम बार 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 करते जाएंगे और हम सोच ही नहीं पाएंगे कि इतना बड़ा गैप का डिफरेंस हो गया थर्टी टू पॉइंट परसेंट एंड वी आर डन इक्विटी आ रहा इज थर्टी टू पॉइंट परसेंट मतलब इक्विटी वालों के लिए थर्टी टू पॉइंट परसेंट का आ रहा है ओके okay, और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ट्वेंटी टू पॉइंट वन टू परसेंट का आ रहा है या फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो ऐसा इक्विटी वाले लोग कमाने वाले हैं 32.15 परसेंट पर है बताऊंगी चलो अब सुन लो अपने पास रखना ठीक है किसी को ज्यादा बताना मत कुछ चीजें अपने पास रखनी चाहिए कभी कभी बॉस के सामने कॉलर ऊपर करने में तुम्हारे काम आएगा कभी भी ध्यान देना कि अगर तुम्हारा कैश फ्लो का जो पैटर्न है ओके ये कैश फ्लो का जो पैटर्न है ना ये वाला ये वाला अगर ये सेम है या नियर टू सेम है ये तो बिल्कुल सेम है नियर टू सेम का मतलब क्या हो कोई चौतीस है कोई पैंतीस है कोई छत्तीस है कोई अड़तीस है ऐसा अगर सेम है या नियर टू सेम है तो जो सिंपल इंटरेस्ट से तुम्हारी जो रेट आई ना उसमें वन पॉइंट फाइव तो मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आंसर दैट मीन्स इफ़ द कैश क्लोज आर सेम और नियर टू सेम द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट मैंने तुमको एक यूनिवर्सल रूल बताया ये ओके मैं खुद के लिए कभी वन पॉइंट फोर करती हूँ कभी वन पॉइंट थ्री करती हूँ वो मैं पढ़ा नहीं सकती बिकॉज दैट माई दैट्स माई इंस्टिंक्ट मतलब मेरी खुद की इंस्टिंक्ट है कि मुझे क्या रेट लेनी चाहिए मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी वो पैटर्न देख के मुझे समझ में आता है तो एक एक तुमको मैं बता सकती हूँ जो तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल तुम ट्राई करके देख लो ये वाला ट्राई करो कैसे चलाओ सब लोग अपना कैसे चलाओ सब लोग अपना सत्तर इंटू पांच करो ना सत्तर इंटू पांच करो सत्तर इंटू पाँच कितना आया साढ़े तीन सौ थ्री फिफ्टी लैक्स आया ये तो आया पूरा पूरा तुम्हारा है क्या नहीं माइनस दो सौ ओके वन फिफ्टी लैक्स मेरा आया कितने साल में कमाया डिवाइड बाई पाँच हर साल कितना कमाया थर्टी मुझे रेट चाहिए तो थर्टी को टू हंड्रेड से डिवाइड करोगे कितनी आई रेट पॉइंट फिफ्टीन परसेंट रेट आई इसमें इंटू वन पॉइंट फाइव करोगे तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट के रेट आ जाएगी एंड योर आंसर वुड बी अराउंड दैट ओनली एग्जैक्ट तो नहीं आएगा ना no, एग्जैक्ट कैसे आएगा बट इंटरपोलेशन गलत भी तो नहीं जाएगा डन चाहे तो इसका भी करके देख लो तुम चाहे तो इसका भी करके देख लो सेम और कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम होना चाहिए सेम और नियर टू सेम चौंतीस पैंतीस अड़तीस चालीस ऐसा भी होगा तो कहीं कही ना कहीं हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं बैठेगा जैसा सेम में बैठ रहा है लेकिन कहीं कही ना कहीं तुम रेंज के पास पहुंच जाओगे तो आई डोंट मल्टीप्लाई विथ वन पॉइंट फाइव फाइव ऑलवेज एंड देर इज नो बुक वेयर इट इज रिटर्न इट इज ओनली बिकॉज आई वुड हैव डन दिस कंप्यूटेशन ऑफ आयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स इन माई करियर एंड दैट इज हाउ इंस्टिट्स आर डेवलप तुम्हारी भी हो जाएगी चिंता मत करो गॉट इट चलो देखो एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम चला गया अभी अब मैं लाइन से सम ले रही हूं हाँ मैंने तुमको पूरा का पूरा स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस में लिखा दिया मैंने तुमको अब आईआरआर और उसमें तो इसके लिए एक सम और कराऊँ क्या तुमको वो बहुत अच्छा सम वैसे तो क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं चलो पहले क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं फॉलोइंग द कैश फ्लो डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी हैविंग एन इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज़ फाइव पॉइंट फोर करोड एंड फोर पॉइंट सेवन करोड़ दो प्रोजेक्ट है मैं ए के लिए करती हूँ तुम क्लास में बैठ के बी के लिए करके खत्म करो क्योंकि तो होम वो बाद में कुछ होता नहीं है ओके okay, क्या करना है वो सुनो एक बात का और ध्यान देना कि सम के अंदर में या पढ़ाती हूँ ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्टीट्यूट का सम है मेरे को ये डाउट आता है बच्चों पर या खुद पर यह डाउट आता है कि अगर किसी बच्चे को इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग टर्म फंड पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं पता है इज

ये बात तुमको पता चल चुकी है कि अगर तुम्हारे कैश फ्लोस लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं तो उसकी डिस्काउंटिंग केसी से होगी करेक्ट है और अगर तुम्हारे कैश फ्लोस इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हो रखे हैं तो, तो उसकी डिस्काउंटिंग के से ही से, से होगी ये तो नॉर्मल तुमको कॉमन सेंस के हिसाब से और तुमको लॉजिक भी समझ में आ गया ओके okay? नाउ मैं क्या कह रही हूं कि सम के अंदर में दैट मीन अगर लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्काउंटिंग और एक बात और अगर सम में कुछ भी ना बोला हो तो लॉन्ग टर्म फंड्स बाय डिफॉल्ट होता है ओके okay? ये भी ध्यान रखना हाँ, नहीं नहीं बता सकते मैं तो वो चैलेंज करती हूँ कोई स्टूडेंट अगर बता देगा ये चीज तो कोई नहीं बता सकता ओके okay, तो और उसके बिना पता नहीं हिलता शुरुआत का ही सम उसका उसके ऊपर बेस्ड है शुरुआत ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट उसके ऊपर बेस्ड है कि क्या कैस, कैसे बन जब मैं बोलूँ कि तुम ये क्वेश्चन है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है मैम पहला सवाल यह आना चाहिए ओके okay. ओके सो हर्ष बोल रहा है कि मैम इतनी देर से कैमरा में एक ब्लैक लाइन आ रही है एंड ही इज अ परफेक्शनिस्ट एक्चुअली ही थिंक्स दैट मैम शुड लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑन द कैमरा एंड दैट इज व्हाई आई विल टेक वन ऑफ पॉज एंड करेक्ट द कैमरा एक्चुअली और तुम लोग को जो ये बताया वन पॉइंट फाइव ये तो किसी को मत बोलना तुम ये तुम्हारे जॉब प्रोफाइल में काम आएगा तुम

कैश फ्लोस होता है ई बी आई टी वन माइनस टी ओके एंड क्योंकि आई माइनस नहीं करना हमें ओके एंड डिस्काउंटिंग केसेस से होगी फॉर अ मैचिंग इफेक्ट सिमिलरली अगर तुम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो तुम्हें पैट लेना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स आएगा मैं वो बातें नहीं कर रही और केहीं से डिस्काउंटिंग होगी कैसा हो अगर सम के अंदर में वो तुमको पैट देंगे ओके okay, पैट देंगे ठीक है ई बी आई टी नहीं देंगे पैट देंगे और डिस्काउंटिंग के लिए के सी देंगे यानी मिसमैच है कोई एडजस्टमेंट चाहिए जो तुमको नहीं आता है पॉसिबली क्योंकि अगर के सी दिया है तो ई बी आर टी माइनस टी को डिस्काउंट कर सकती हूँ मैं पैट को डिस्काउंट के से नहीं कर सकती वो मिसमैच है लेकिन ये तुमको तब पता चलेगा अगर तुमको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा ध्यान देना अभी देखो क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या लिखा है यहाँ पे सब में ध्यान देना फॉलोइंग कैश टू डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट ए एंड बी हैविंग इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज तो मैं लिखती हूँ फॉर प्रोजेक्ट ए ओके सो आउटफ्लो इज इक्वल टू रुपीज 5.40 पॉइंट ठीक है अब दिया है पैट डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट और नित्य टैक्स रेट 30 परसेंट दिया है के केसी, के सी है ट्वेंटी परसेंट ओनली वन ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स कैन बी चोजन आइडेंटीफाई विच इज टूजन ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, पी एंड पी ओके जैसे फॉर ये अब ये पैट मैं क्या करूं बेसिकली आई कैन टीच यू समिंग सेट दट ई बी आई टी वन माइनस टी को तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो पैट प्लस आई वन माइनस टी ऐसे भी दैट मीन्स अगर तुमको पता होगा तो ही तुम कर पाओगे मतलब ईबीआईटी वन माइनस टी करो या पैट में आई टैक्स माइनस uh, करके बैक करो तुमको सेम आंसर आ चाहो तो ट्राई करके देख लो कहीं पे एग्जाम्पल लेके खुद से ओके okay, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे फाइव यह फोर्टी दिया हुआ है तो फाइव फोर्टी मतलब फाइव पॉइंट फोर सी आर या 540 सौ चालीस लाख हुआ वो राइट तो अभी क्या करेंगे स्टार्ट हो जाओ सो ईयर जीरो मत लो एक दो तीन चार और पांच ठीक है ना तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे पैट का कॉलम लेना चाहिए हम लोग को आई पैट इज वन एटी फाइव देन वन वन जीरोन वन नाइनटी फाइव देन टू ट्वेंटी फाइव एंड वन सेवेंटी फाइव ये भी सेम और नियर टू सेम ही माना जाएगा ओके आई वन माइन लेकिन इसमें डिप्रीसीशन भी तो एडबैक होगा कैश फ्लो के लिए हाँ या ना डिप्रीसीशन भी तो एडबैक होगा ना डिप्रीसीशन दिया हुआ है यहाँ पे तुमको तो क्या निकालना है कैश लोज तो यहाँ पे इनिशियल है और ऑपरेटिंग है यहाँ पे रीपे यहाँ पे टर्मिनल नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है जो दिया उतने से हम करेंगे तो आई वन माइनस ट्री कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे तो माइनस थर्टी परसेंट सिक्सटी माइनस थर्टी परसेंट विल गिव यू फोर्टी ओके उसके बाद फिफ्टी माइनस थर्टी परसेंट विल मिल गर्टी फाइव ओके माइनस परसेंट देसेंट मिल ग

प्लस थर्टी फाइव प्लस फिफ्टी विल गिव यू वन नाइन्टी फाइव देन वन नाइन्टी फाइव प्लस ट्वेंटी एट प्लस फिफ्टी विल गिव यू टू सेवेंटी थ्री ओके देन टू टू फाइव प्लस ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टी विल गिव यू टू नाइन्टी सिक्स देन वन सेवेंटी फाइव प्लस फोर्टीन प्लस फिफ्टी विल गिव यू तुमको नहीं लगता ये करीब करीब सेम ही है आया ना बोलो ये करीब तो निकालोगे इसका आंसर वुड यू कैलकुलेट ये फ्लोस के लिए वुड यू कैलकुलेट एन पी वी आई आर पी आई ये भी करना है मुझे मैं फटाफट फिर आंसर लिख दूंगी तुम्हारे चलेगा और दूसरे बी का भी करो और जब हो जाए तो मुझे WhatsApp पे डालो रिकॉर्डेड वाले भी कर सकते हैं अभी इससे आगे मुझसे मत कराओ मैंने तुमको सारी ट्रिक्स बता दी तो तुमको पीवी निकालना है बीस परसेंट से निकालो और हाथ के हाथ पीआई भी निकाल देना और साथ में आयर भी निकालो ट्रिक मैंने तुमको बता दी है ये नी, ये इक्वल तो नहीं है बट नियर टू इक्वली माना जाएगा तो तुम क्या करो कि तुम एक सिंपल इंटरेस्ट के जो रेट जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालो और 1.5 मल्टीप्लाई करके रेट के साथ में और इंटरपोलेट करके आंसर मुझे निकाल के दो चलेगा सब लोग कॉन्फिडेंस से थोड़ा बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा वरना मुझे लगेगा कि नहीं मुझे करना है ये सब देख लेना सम आ, सही जा रहा है क्या मैं डायरेक्टली कर रही हूँ ये सही है क्या बता रहा हूँ जरा इसका आई बहुत ज़्यादा आएगा ओके okay. ये क्या वैल्यू आई तुम लोगों ने किससे किया डिस्काउंटिंग फोर्टी परसेंट से किया आंसर इस कितना कितना आंसर आ रहा है फोर्टी पॉइंट थ्री फाइव परसेंट आंसर है एक मिनट रुक जाओ डबल सेवन डिड बाई व एक कर रही हूँ पूरा दोनों नहीं करूंगी टाइम वेस्ट है फाइव वन एट आ रहा है ये okay, ओके एक करने दो मुझे पूरा एक ख़त्म बस बाकी दूसरे में फिर तुमसे आंसर लेके मैं लिख दूँगी आई मीन कोई भी बच्चे को ये ये नहीं चाहिए होगा कि मैम पूरा करके हमें हम दे कितना लाना है हमको पाँच सौ चालीस लाना है तो रेट को अपने को करना पड़ेगा थर्टी एट एट आर इक्वल टू थर्टी एट परसेंट मैं चांस ले लेना चाहती वरना मुझे लगता थर्टी नाइन से भी काम हो जाता तो ये हो जाएगा गैन टू डबल सेवन डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री एट प्लस वन नाइन्टी फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री एट होल स्क्वेयर ओके प्लस टू सेवेंटी थ्री डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री एट रेस्ट टू द पावर थ्री टू नाइन्टी सिक्स डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री एट रेस्ट टू फोर एंड प्लस टू थर्टी नाइन डिवाइड बाई करो करने से ना बहुत हाथ में पॉलिश आ जाएगी उनको लगता है वन पॉइंट फाइव मैम को कैसे आ गया होगा तुम कितनी बार तुम सोचो मैंने ये किया होगा तब जा करके आया है ऐसे नहीं आएगा और ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं आती होंगी शायद कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने नहीं ठीक तो है फाइव थर्टी सिक्स ही आया इसमें कैसे कैसे फाइव फोर्टी है ना तुम लोग का आंसर रहा है थर्टी ओ इसकी रेट थर्टी नाइन नहीं थर्टी नाइन नहीं मी सी मी सी पाँच सौ चालीस से ज्यादा आना चाहिए ना ओके okay. ठीक तो है मैं एक काम करती हूँ मैं काम uh, करती हूँ थर्टी एट पर निकालो ना मैंने सही निकाला क्या पता नहीं मैं आई डों वॉन्ट टू राइट एक्चुअली थर्टी एट पर मेरे को फाइव थर्टी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स आ रहा है तो आंसर फिर कैसे हो सकता है थर्टी नाइन <coughs> हाँ वही फाइव थर्टी सिक्स आ रहा है मेरे को तो अपने को और नीचे जाना पड़ेगा हाँ करेक्ट करेक्ट ना करेक्ट हाँ तो मेरा सही जा रहा ही है अभी श्री खुशी सिंह कि मेरे को आर इक्वल टू थर्टी सेवन परसेंट निकाल के दो मुझे फटाक से निकालो आर एच एस वी शुड नॉट शाई आउट ऑन द हार्ड पार्ट सीधा सीधा पी निकाल के बताओ मुझे वैल्यू वैल्यू बताओ फटाक से सो आई कैन डू वन पॉइंट थ्री सेवन ये बहुत नॉर्मल चीज है कैपिटल बस्टिंग अगर पढ़ रहे हो तो इसे तुमको इरिटेशन होने नहीं चाहिए थोड़ी से भी फाइव फोर्टी फाइव आया फाइव फोर्टी फाइव पॉइंट एट जीरो आया ओके अपने काम करते थर्टी एट और थर्टी एट और थर्टी सेवन के बीच में कर सकते हैं सो अनोन माइनस लोअर

फाइव फोर्टी माइनस फाइव फोर्टी फाइव पॉइंट एट बाय थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स टू आंसर आ रहा है मेरे को थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स टू आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स टू थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर रहेगा वो कुछ कर नहीं सकते तो ये डन हो गया प्रोजेक्ट बी का किया है तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बी का किया है तो मुझे बता दो आंसर डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं एनपीवी का आंसर बताओ पीआई का आंसर बताओ और आईआरआर का आंसर बताओ एक सेकंड रुकना प्रज्डमी का बताओ प्लीज दे हैव कम आउट विद आंसर एनपीवी इतना कम है खुशी या एनपी भी कितना है नाइंटी नाइन पॉइंट एट नाइन ओके ओके मैं क्या कहना चाह रही थी कि मैंने कैलकुलेशन नहीं करी यूजुअली मैं ये होमवर्क दे देती हूँ बिकॉज ऐसा कोई कैलकुलेशन था नहीं जिसमें मेरे कोई पढ़ाने वाला पार्ट था एंड आई डिड नॉट वांट टू टेक दैट एफर्ट आल्सो लेकिन आंसर तो हमें चाहिए सो दैट कि तुम क्रॉस चेक कर सको तो यहाँ पे देखो कुछ बच्चों को ट्वेंटी आया है इसका आंसर बोल रहे हैं ट्वेंटी आया है कुछ बच्चों को ट्वेंटी आया है और कुछ बच्चों का थोड़ा डिफरेंट भी आया है दैट वुड बी ओनली बिकॉज तुमने गैप बड़ा लिया होगा इंटरपोलेशन करने के लिए दैट मीन्स एक बड़ा गैप तुमको एक और मैं मैं हिंट दे रही हूं कि अगर ऐसा कोई सम होगा मैं के पहले नहीं बताना तुमने लगाया उस पर रफली फोर्टी वन परसेंट कमाया है एज पर पी आई मेथर्ड राइट और जब मैंने वो रेट कैलकुलेट करी ना वो जो शॉर्टकट करके जो सिंपल वो भी चालीस के मतलब वो भी मैंने और वहां तो चालीस आया ही नहीं था वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करके फिर चालीस आया राइट तो तुम ये भी एक हिंट ले सकते हो पी आई से कि तुम्हारी तुम्हारा आंसर चालीस के अराउंड ही होगा देखो एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा चालीस के अराउंड मतलब थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी ये सारे चालीस के आसपास ही माने जाएंगे ठीक है और तुम्हारा आंसर बराबर वो थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स टू के हिसाब से बैठा यहाँ भी तुम आंसर अगर देख रहे हो तो ये वन पॉइंट टू वन आंसर यानी ट्वेंटीज़ में ही है जो भी आंसर तुम्हारा है इफ़ यू आर गेटिंग एक रफ हिंट बता रही हूँ एग्जैक्ट नहीं होगा हमेशा वर्क नहीं करता बट या अगर ये वन पॉइंट टू वन है तो आई आर आर का आंसर चालीस नहीं होगा मैं ये कहना चाहती हूँ राधा ओके तो वी आर डन ऑन दिस पार्ट तो विच वन इज बेटर विच वन इज बेटर प्रोजेक्ट ए अच्छा है कि प्रोजेक्ट बी बेटर है प्रोजेक्ट ए का एन पी बी बहुत ज्यादा है आई आर आर भी ज्यादा है या तो आई थिंक प्रोजेक्ट ए इज बेटर मतलब कुछ कंपेरिजन करने की चीजें नहीं है वी रिकमेंड अब जो सम्स आएंगे बहुत इजी वाले सम्स आएंगे मतलब एकदम आराम से लेट के पढ़ो ठीक है ये हो गया अब मैं क्या कह रही हूं तुम्हें? कि अपन अब तुमने, जो मैंने क्राइटेरिया तुमको लिखाया था तो मैं चाहती थी कि उस पर सम्स हो तो मैंने तुमको दो अच्छे सम करा दिए मतलब वो लेम वाले सम्स मुझे नहीं करने थे उस तो सीखा हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट आईआरआर या इक्विटी आर का जो सम करा निकाला हमने आईआरआर ही बेसिकली बट देर वॉज सम उससे बहुत ज्यादा बेहतर नॉलेज वाला पार्ट था जो बिना टैक्स वाला सम था उसके बाद ये वाला सम करा तो तुमको ये क्लिक नहीं करता ये नॉलेज वाला पार्ट कि केसी के साथ में ई बी आई टी वन माइनस ट्री अगर नहीं दिया हुआ है तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू अ प्लेन सम ऑन एन पी वी एन आर आर वो तो वैसे बच्चा कर लेता है तो ये दो सम इस कैटेगरी में हो गए आगे भी एन पी वी तो निकालते ही रहोगे तुम बट दो तो सम हंड्रेड परसेंट उस पर ही बेस्ट थे अब मैं क्या करती हूँ कि हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वेर इन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्पेशल डिसीजन सिचुएशन एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग तो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री वुड बी बैक टू बैक इन द सेम कैटेगरी पहले टू और थ्री करते फिर आगे बात करेंगे स्टार्ट सो स्पेशल डिसीजन सिचुएशन इतना बहुत मुश्किल होता है कैपिटल बाइफरकेट करना बट अपन थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे तो हो जाएगा ए Inflation and capital budgeting. <laughs> it means if the cash flows are nominal, nominal ka Inflation adjusted. The discounting factor should also be nominal, and if cash flows. आर रियल रेट शुड also बी रियल ठीक है ये खत्म हो गया तो क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली मुझे अब मैं भागने वाली हूं पता है आ उनकी एक ट्रेन आई है तो पहले शताब्दी जैसे ही फॉर्मेट उसका क्या नाम है देखो उन लोग को याद है क्या नाम वंदे भारत तो मैं उस स्पीड से जाने वाली हूं प्रोजेक्ट इनवॉल्व एन इनिशियल आउटले ऑफ रुपीज एटी लैक्स ओके ठीक है इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ कॉन्स्टेंट रियल कैश फ्लो ओके ट्वेंटी टू लैक्स पर एनम फॉर ट्वेंट फॉर फाइव ईयर्स एक बात का ध्यान रखना अगर कुछ भी नहीं बोला नाम फॉर एग्जाम्पल रियल बोल दिया रियल आ गया ना उसका मिस्टर Mr. मिसेज आ गया उसके सामने अगर वो कुछ नहीं बोलता सिर्फ कैश फ्लो बोलता तो बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनल ही होता है ये ध्यान रखना तुम

तो जो केसी निकलेगा केसी के किसी भी आइटम के सामने रियल नॉमिनल कुछ बोला ही नहीं है वो वो जो केसी कैलकुलेट करके आएगा बाय ही होगा इन्फ्लेशन के एडजस्ट करना पड़ेगा हर साल के लिए देखो कैसे चलेगा तो सबसे पहले ए कंप्यूटेशन ऑफ केसी इज्लू डी के डी One minus T plus WEK. So K will be equal to. एंड डब्ल्यू डी कैसे निकालोगे डी बाई डी प्लस ई e करते हैं ना और ये क्या है टू इस टू वन कैन आई राइट हियर टू बाई टू प्लस वन टू बाई थ्री हो गया ये ध्यान देना मैंने जानबूझ के लिखा ताकि तुमको बाद में नोट्स में तुम्हारे काम आएंगे तो टू बाई थ्री इंटू सेवेंटीन इंटू वन माइनस थर्टी परसेंट प्लस वन बाई थ्री द होल इन टू नाइनटीन आंसर बोलो भाई कितना है आंसर Fourteen one two seven. Okay. Real CF. Nominal CF. I could have done in a very, very short format. You cannot imagine how short I could have gone in the solution part. Click क्या है ना कि बच्चे फिर खुद की लिखी हुई नोटबुक का पिक्चर क्लिक करके बोलते मैंने मैम क्या लिखा है यहाँ पे तो मैं अभी हर कोशिश ये करती हूँ कि शॉर्टकट सिखाना बेकार है ट्वेंटी टू प्लस थ्री पॉइंट फाइव परसेंट इस ट्वेंटी टू पॉइंट डबल सेवन प्लस थ्री पॉइंट फाइव परसेंट मी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव सेवन विल गिव मी ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री नाइन ट्वेंटी फाइव पॉइंट Two five twenty six point one three PV at the rate of fourteen point two seven point eight seven five one seven double six point six seven zero point five eight seven point five one three E V so twenty two point double seven into point eight seven five will give me nineteen point Nine two twenty-three twenty-three point five seven to point seven double six will give me eighteen point zero five twenty-four point three nine into point six seven will give you sixteen point three four okay, twenty-five point two five into point five eight seven will give you fourteen point eight two.

को क्रॉस चेक करो <laughs> कुछ नहीं दर फोर मेरे हिसाब से सही है मैंने तो बहुत केयरफुली किया है फिर भी देख लो कोई भरोसा नहीं है फाइव थ्री माइनस एटी इज टू पॉइंट फाइव थ्री लैक्स सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर वन आर डन विद क्वेश्चन नंबर टू एंड फोर थ्री अभी हम लोग को करना है कर लो टाइम है बहुत अपने पास में ठीक है चलेगा चलो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ले रहे हैं वो भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने लोग को कंफर्टेबल जा रहे हैं हम हैप्पी थोड़ा सा स्पीड और ज़्यादा कवरेज हो पाती तो और अच्छा हो जाता बट ठीक है दस दस क्वेश्चन भी दस क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा आठ आठ क्वेश्चन शायद हो पाए तो अच्छा है एक्चुअली दिस इज नॉट लाइक डेफिनेटली समझ ना तुमको हुक नहीं करते हुक नहीं करते इन द सेंस कि करना चाहिए टीचर के साथ ही बिकॉज घर पे भी नहीं करने वाले हो तुम लोग बहुत मज़ा नहीं आता करने में सच बाकी क्या इंटरेस्टिंग रहता है ना टॉपिक हाँ टेंशन नहीं हो टेंशन थोड़ा रहना जरूरी होता है उसे कहता है छोड़ो ना नहीं करने का मन कर रहा है सबके साथ मेरे साथ भी होता है अरे यार क्या ही पढ़ाऊँ इसमें मैं बट ठीक है करना है तो करना है वो बात है हाँ सोनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड इस कंसिडरिंग चलो चालू इन्फ्लेशन पे ही इसलिए मैंने पूछा भी नहीं तुमको इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज टेन करोड़ इन द प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट हेज अ लाइफ ऑफ फाइव इयर्स एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ द लाइफ वुड भी नील ठीक है टेन करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ओके पाँच साल का हिसाब है द डिप्रीसी चार्ज वुड बी रुपीज टू लैख टू करोड़ एवरी ईयर एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ओके इग्नोरिंग द इनफ्लेशन इग्नोरिंग द इनफ्लेशन यानी रियल है वुड बी एज फॉलोज ठीक है इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कितनी अच्छे से लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज थर्टीन परसेंट यानी के इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो हम लोग को पहले कैश कैशलॉस बनाने पड़ेंगे गाइस बिना बनाए नहीं काम चलेगा तो बेसिकली व्हाट वी वुड डू कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो पहले रेवेन्यूज और कॉस्ट में जो रेस्पेक्टिव इन्फ्लेशन के रेट्स वो पहले एडजस्ट करने पड़ेंगे तो पहले एक शेड्यूल बनेगा जिसमें तुम रेवेन्यूज में ये परसेंटेजेस लगा करके उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड बनाओगे ओके okay, और उसके बाद फिर तुम कॉस्ट में वैसे शेड्यूल बनाओगे थर्ड में फिर सम चालू होगा चलो शुरू हो जाओ टाइम ज्यादा लगेगा ए कंप्यूटेशन ऑफ इन्फ्लेशन एडज बताती हूँ बताती हूँ रुक जाओ चालू तो करो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू समझा सो ईयर फोर एंड फाइव ओके और रियल रेवेन्यूज है ये रियल रेवेन्यूज पंद्रह अठारह उन्नीस सत्रह और तेरह नॉमिनल रेवेन्यू उतनी जगह रखनी पड़ेगी तुम्हें क्योंकि तुम देखो भी क्या होने वाला है फिफ्टीन इंटू वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स ये एक आएगा फिर आएगा एटीन में क्या आएगा पता है वन पॉइंट जीरो सिक्स भी आएगा और साथ में वन पॉइंट जीरो डबल फाइव भी आएगा समझा क्या क्या चल रहा है तो बेसिकली तुमने वहाँ पे थ्री पॉइंट फाइव परसेंट दो बार करा करेक्ट यहाँ पे रेट अलग अलग इन्फ्लेशन की तो रेस्ट ऑफ तो द पावर टू नहीं करके दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा अब ना यहाँ पे नाइनटीन इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स ले सकते हैं वन पॉइंट जीरो डबल फाइव होल ले सकते हैं यहाँ पे सेवेंटीन कुछ गड़बड़ करी मैंने इंटू वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स इंटू वन पॉइंट जबल डबल फाइव होल स्क्र एंड इंटू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव ओके और ये थर्टीन इंटू वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स इंटू वन पॉइंट जीरो डबल फाइव होल स्क्र एंड इंटू वन पॉइंट ज़ीरो फाइव होल स्क्र ठीक है वॉटवर तो एक्चुअली मैं इक्वल टू यहाँ पे लेना चाहती हूँ सो दैट कि सब सामने में अपने को दिखे चलो स्टार्ट हो जाओ सो फिफ्टीन प्लस सिक्स परसेंट फिफ्टीन पॉइंट नाइन ओके ना एटीन प्लस सिक्स परसेंट एंड प्लस फाइव पॉइंट फाइव परसेंट ट्वेंटी पॉइंट वन थ्री ओके देन नाइनटीन प्लस सिक्स परसेंट 22.42 21.06 13 16.10 अभी इसी तरह से तुम्हें कॉस्ट का भी करना पड़ेगा यू हैव डू फॉर द कॉस्ट पार्ट आल्सो। सो बी यहाँ पे करूँ क्या कलर चेंज कर तो बहुत ज्यादा रेड रेड लग रहा है मेरे को बहुत वो आई आई गेट मुझे बहुत जल्दी वो बोर होने लग जाता है सो कंप्यूटेशन ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड Cost. है। एक चेक करती हूँ थर्टीन प्लस सिक्स परसेंट मैंने एक पांच नहीं लिया है। Correct है। करेक्ट करेक्ट तेरा एक, पा, एक मतलब दूसरी बार प्लस वो करना भूल गई मैं ठीक है सो so वन इतना पास पास लिखने से गड़बड़ होगी एक्चुअली वन टू ठीक है चलेगा ना थ्री फोर एंड पाँच और ये बावेल्फ फोटीन पॉइंट फाइव फिफ्टीन पॉइंट फाइव फोर्टीन एंड इलेवन ओके okay, और ये हो जाएगा टेल्व इंटू वन पॉइंट ज़ीरो सेवन फाइव ये फोटीन पॉइंट फाइव वन पॉइंट ज़ीरो सेवन फ़ाइव होल स्क्वायर ये फिफ्टीन पॉइंट फाइव इसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत हाई हैं इसलिए बहुत केयरफुल रहना फोर्टीन इंटू वन पॉइंट ज़ीरो सेवन फ़ाइव होल स्क्वायर एंड वन पॉइंट ज़ीरो सेवन होल स्क्वायर ये इलेवन वन पॉइंट जीरो सेवन फ़ाइव होल स्क्वायर

15.43 ठीक हो गया ना अभी अभी अपने को क्या करना पड़ेगा पता है क्या मैं तो सिलेक्ट कर लेती हूँ पूरे को अभी अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा करेक्ट है ये हो गया तुम्हारा रेवेन्यू सॉरी ये हो गया रेवेन्यू और ये हो गया जब कॉस्ट बोला ना तो समझ जाना कि वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आ गए मतलब मैं रेवेन्यू में से जैसे ही कॉस्ट माइनस करूंगी ना अब कुछ बच्चे बोलते हैं तो मेरे मैं हमेशा उनको एक बात बोलती हूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर ना सब कुछ नहीं डालते वो वो क्या कोई भी नहीं डालेगा जो मुद्दा है ना पूछने का वॉट एवर इज द मेन स्कीम ऑफ थिंग्स में एक चीज उनको कुछ टेस्ट करनी है तो हर जगह कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे ये भी करो वो भी करो ऐसा नहीं होता सो बी वेरी स्ट्रेट इन योर थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस तो ये जैसे मैं इसमें से माइनस करूंगी मेरे को ये पता है कि मेरे को ई आ जाएगा ओके okay, तो फिफ्टीन पॉइंट नाइन माइनस ट्वेल्व पॉइंट नाइन विल गिव मी थ्री ठीक है नाउ ट्वेंटी पॉइंट वन थ्री माइनस सिक्सटीन पॉइंट सेवन सिक्स करूंगी ये आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री सेवन एन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर टू माइनस नाइनटीन पॉइंट वन सेवन विल गिव थ्री पॉइंट टू फाइव एंड ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो सिक्स माइनस एटीन पॉइंट फाइव टू विल गिव्यू टू पॉइंट फाइव फोर एंड सिक्सटीन पॉइंट नाइन वन माइनस फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री फोर एट हो गया राइट नाउ हो दे रखा है डिप्रीसीशन ले सकते हैं हम लोग क्या बोला है दो करोड़ एवरी ईयर टू एक बात का ध्यान रखना टैक्स और डेप्रिसिएशन टैक्स और डेप्रिसिएशन कभी भी आ, क्या कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है दे आर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज तो कभी भी उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट मत करना डेप्रिसिएशन में और टैक्स रेट में कभी भी नहीं होता वो इस अभी मैं एक बात तुमको बोल रही थी कि डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के तीन मेथड होते हैं मैं अगर सेकेंड या थर्ड मेथड सेकेंड मेथड से जाऊं ना तो और आसान हो जाएगा पता है क्या ई आया ना सीधा ई बी डी आई टी वन माइनस मतलब टैक्स हटा दो सीधा और अल्टीमेटली तुम क्या करते हो डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ओके okay, और उसमें डेप्रिसिएशन को बैक करते हो क्यों करते हो क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करने से टैक्स का बेनिफिट तुमको मिलता है मतलब उतने अमाउंट से टैक्सेबल इनकम कम होने से डी बोल सकते हो तुम तो तुम माइनस करो ही मत ना सीधा डी को एस बैक कर दो तो वो भी काम हो सकता है मतलब मैं तुमको दिखाऊंगी करके अभी खत्म करो अभी अभी तो मैं दूसरा मेथड नहीं यूज़ कर सकती बिकॉज तुमको पता नहीं है मैंने बताया नहीं मुझे पता नहीं तुमको खुद से आता है कि नहीं आता है तो ई बी आई टी ये क्या हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन पॉइंट थ्री सेवन देन और भी कुछ है क्या नहीं और ये हो जाएगा देखो यहाँ दिक्कत आ गई ना दिक्कत एक मिनट होल्ड करना होल्ड करना दिक्कत आई ना यहाँ पे कैलकुलेशन में आ गई दिक्कत तो बेटर होगा कि मैं इस मेथड से जाऊं ही नहीं मैं क्यों चक्कर में पढ़ू मैं? मैं बोलो हाँ तो क्यों चक्कर में तुमने अगर डेप्रिसिएशन का कॉलम ले लिया ना तो रहने दो उसको एज इट इज रहने दो कुछ, कुछ कुछ करो मत उसका मतलब उसको रब या कैंसलेशन मत करो मैं तो कुछ दिखाना चाहती हूँ रुक जाओ यहाँ पे आ जाओ पहले देखो फिर कॉपी करना मैं तुमको टाइम दूंगी लिखने का नोट नोट्रीसिएशन एडजस्टमेंट देख लो ना एक बात जी दिक वाई टू गेट इंटू वाई टू गेट स्टक इनटू द प्रॉब्लम वही तो बता रही हूँ वही तो अब क्या हो गया 1.48 में से दो माइनस करो नेगेटिव आएगा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में ही जाएगा वहां पे मैं उस चक्कर में जाऊं ही क्यों मैं पतली गली से निकल क्यों ना लू बात समझो मैं क्या कह रही हूँ ऑन द स्पॉट पता नहीं तुमको क्या चमकेगा वहां पे एक्शल ले सकते क्यों नहीं ले सकते बिल्कुल ले सकते हैं देखो दिखा देख तो लो पहले फिर तुम जैसे बोलोगे वैसे कर दूंगी मैं मुझे कोई भी हर मेथड कंफर्टेबल है तो यहाँ पे अपन केस वन लेते हैं यहाँ पे केस टू लेते हैं और केस थ्री लेते तीन तरीके से कर सकते हो देखो तो ई बी डी आई टी एंड सिंस ये लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बन रहा है बिकॉज कुछ बोला नहीं है तो अवियत सी बात है ईबीआईटी से तो हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं सिर्फ डेप्रिसिएशन का अपने को देखना है कि कैसे मैनेज करना है तो समझो कि ये हंड्रेड है और आंसर तीनों में सेम आना चाहिए आइडियली राइट तो माइनस डेप्रिसिएशन करती हूँ यहाँ पे सपोज टेन का ठीक है यहाँ पे नहीं करती हूँ यहाँ पे भी नहीं करती हूँ तो ये आ गया ईबीआईटी ये आ गया नाइनटी ये आ गया हंड्रेड और ये आ गया हंड्रेड ठीक है नाउ टैक्स एट द रेट ऑफ फिफ्टी परसेंट कर देते हो इजी फोर्टी फाइव यहाँ पे फिफ्टी ओके okay, ये रहने दो थर्ड वाला तो ये आ गया ई और ना पैट भी बोलते नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ओके दिस विल बी फोर्टी फाइव ओके दिस विल बी फिफ्टी नाउ हियर वॉट विल यू डू एड बैक डिप्रीसीशन या डी जो भी कर सकते हो तो तुम डेपन एडबैक का मतलब हुआ टेन एंड विल गिव यू फिफ्टी फाइव दिस इज द दैट वी ऑल नो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है डी टी एस में क्या लोगे कि तुम टेन इंटू फिफ्टी परसेंट कितना होता है फाइव ये तुम बैक करोगे तो फिफ्टी फाइव हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे कुछ करेंगे ही नहीं सीधा यहाँ पे इसको उठा करके यहाँ पे डाल दो टैक्स तो यही आएगा तुम्हारा अल्टीमेटली समझा तुम तुम तुमको मैंने क्या बोल रही हूँ यहाँ पे यानी कि पांच का एक्स्ट्रा बेनिफिट जनरेट हुआ बिकॉज तुमने देप्रिसे, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलाउड है उसकी वज, भले पैसा बाहर नहीं जा रहा है या जा रहा, है, जा रहा है, मतलब वो अलाउड है उसकी वजह से ये पांच एक्स्ट्रा आ रहा है तुम्हारे तो वो पांच का रिफ्लेक्शन आना चाहिए कैसे भी आ सकता है अब समझो कि मैंने मेथड नंबर टू यूज किया होता वहां पे तो मैं क्या करूंगी ईबीडीआईटी में से टैक्स हटा दो, ओके? और को कर दो ये आ जाएगा आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑल ऑफ यू समझाइए तो मैं नहीं कह सकती कुछ ब... मतलब मैं बच्चों को ये बोलती हूं कि तुम फंसो मत कहीं पे वो नेगेटिव वैल्यू आई ना वहां तुम, तुम करोगे वहां पे कुछ ना कुछ गुफा पॉसिबिलिटी बनती है मैंने करा हुआ है वो सब्जेक्ट इतने डिटेल में इसलिए तुम बोल रही हो सबको समझा मैं क्या कह रही थी ऑल ऑफ यू गुड अंडरस्टैंड तो यहां पे अच्छा नहीं होता थर्ड वाला नहीं समझा खुशी एक्चुअली तो बेटा टैक्स तो यही जाएगा ना टैक्स तो यही जाएगा अगर तू सौ है तो टैक्स तो फोर्टी क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन इस मेथड से ही होगी ये यह यहां से लिया है पीएंडल से ही जाएगा टैक्स ये ये जा रहा ये कैश स्टेटमेंट है ये कैश स्टेटमेंट है ये पी एंडल स्टेटमेंट है तो तुम्हारा जो टैक्स कैश फ्लो मतलब टैक्स कितना जा रहा है यानी कि सौ तो तुम्हारा बचा और पैंतालीस का टैक्स जाएगा तो उस पैतालीस की कैलकुलेशन तो इससे ही आनी है इससे ही आएगी पी एंड एल से ही टैक्स कैलकुलेट करा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से टैक्स कैलकुलेशन नहीं करे जाता तो वो पी एंड एल से सीधा टैक्स उठा करके और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दो समझ गया करेक्ट है हाँ आप कॉपी करो फटाक से हो जाए तो मेरे को लिखो मैम डन हो जाएगा तो मेरे को डन बोलो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं <laughs> एक बात देखो ना क्वेश्चन सिक्सटीन देखो ना मुझे लगता है ना कि हम लोगों ने सिक्सटीन नंबर सम और बोलू मैं तुमको कौन सा फोर्टीन नंबर सम ये दोनों सम हम कर चुके हैं मुझे ऐसा लगता है फोर्टीन नंबर सम और नंबर सम मुझे लगता है हम लोग कर चुके हैं तो हम लोगों ने इक्विटी में शायद शायद से से किया है 16 शायद से हम लोगों ने इक्विटी में करा हुआ चेक करो एक बार प्रशांत चेक करना ये ग्रेन, भारत बायोटेक एंड ग्रैनुलर वाला सम हम लोगों ने इक्विटी में करा हुआ है राइट तो वो लिख सकते हो तुम याद नहीं है सेट बेटा कॉन्सर्ट पढ़ाया था इक्विटी के अंदर में तो करा था हम लोगों ने चेक कर प्लीज और ये वाला सम भी जो है ना तेरा ये मुझे लगता है इंटरनेशनल में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने फोर्टीन नंबर सम करा है एक बार चेक कर लो ना तो यहाँ से सम अपने रिड्यूस हो जाएंगे बेसिकली कितने करने हैं तो दोनों सम तुम लिख सकते हो वहां पे फोर्टीन के सामने लिखो सम ऑलरेडी डन इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आईएफएम सही है ना और क्वेश्चन नंबर क्योंकि जितना कम हो सके खत्म करते हैं मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ रिपीटिंग द होल थिंग एंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के सामने लिखो क्वेश्चन डन इन वेल्यूशन ऑफ इक्विटी एटलीस्ट दो सम भी खत्म होने का मतलब आधे घंटे होते हैं चलो स्टार्ट आगे बढ़ रही हूँ मैं टाइम जाएगा कैलकुलेशन में इतना आसान नहीं होने वाला बिकॉज हम मतलब हमें लगता है कि हमें आता है बट तुम्हारी बात नहीं है हर बैच में ऐसे ही होता है हाँ इतना टेक्निक बच्चों को पता नहीं है टेक्निकल वाला पार्ट नहीं पता है उनको वो कंफर्टेबली एनपी वी वगैरह निकालते हैं बट टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं पता बच्चों को बिल्कुल भी अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि मान लो डेप्रिसिएशन लिया था मैंने डी एक बात बोल रही हूँ तो टू था टू था टू था टू था और टू था यहाँ पे मैं अगर डी ले लूँ डी तो क्या हो जाएगा कितना है इसका टैक्स का रेट कितना है आ गया थर्टी फाइव परसेंट है राइट टू तो इंटू थर्टी फाइव परसेंट कितना होता है आ, डी T टी हाँ तो टू इंटू थर्टी फाइव परसेंट पॉइंट सेवन ये हर जगह पे पॉइंट सेवन हो जाएगा और ई बी डी आई टी वन माइनस टी ले सकती हूं राइट तो थ्री माइनस थर्टी फाइव परसेंट इज वन पॉइंट नाइन फाइव ओके करेक्ट तो है थ्री पॉइंट थ्री सेवन माइनस थर्टी फाइव परसेंट गिव्यू टू पॉइंट वन नाइन जीरो फाइव ठीक है देन थ्री पॉइंट टू फाइव माइनस ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो गया बट ठीक इट्स ओके टू फाइव 2.54 टू पॉइंट फाइव फोर माइनस थर्टी फाइव परसेंट गिव्यू वन पॉइंट सिक्स फाइव वन एंड वन पॉइंट फोर एट माइनस थर्टी फाइव परसेंट गिव्यू पॉइंट नाइन सिक्स टू अब मेरा रेडी है कैश फ्लो कैसे निकालेंगे कैश फ्लो देखो ये सेकेंड मेथड से जा रही हूँ तुमने तो क्या कि ये फिफ्टी निकाल लिया ना मैंने बी डी आई टी वन माइनस टी करके ओके okay. और उसके बाद मैं क्या करूँगी सीधा ये पाँच ऐड बैक कर दूंगी तो कैश फ्लो विल बी अगर मैं कॉलम का नाम दे दूँ यहाँ पे समझो कुछ कलर लेने दो मेरे को ये ए है और ये बी है जगह नहीं है ना क्या करूँ मैं तो ए प्लस बी अभी कर दो ऐड तो पॉइंट सेवन प्लस वन पॉइंट नाइन फाइव फाइव ओके प्लस टू पॉइंट एट नाइन लेकिन कहीं तो कराया है निखिल कहीं कराया वो सब मुझे याद आ रहा है या तो फॉरेक्स में कराया होगा चेक कर लेना एक बार अभी तो नंबर आया नहीं है सम का अगर नहीं कराया होगा तो करा दूंगी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कराया है टू पॉइंट एट नाइन कहीं तो कराया है मैं चेक कर लूंगी तुम्हें चेक कर लेना चलेगा कोई दिक्कत नहीं है टू पॉइंट डबल वन टू फाइव प्लस पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट वन नहीं कराया होगा तो जरूर कराऊँगी नहीं कराने का फिर दिया क्यों ऐसा टू पॉइंट थ्री फाइव वन पॉइंट सेवन प्लस पॉइंट नाइन सिक्स टू विल गिव यू वन पॉइंट डबल सिक्स टू अब कुछ नहीं करनी है डिस्काउंटिंग करनी है और एनपीवी निकालना है थर्टीन परसेंट बोला है इसको मैं नीचे लेके जाती हूँ थोड़ा छोटा कर देती हूँ उन्हें तो एंड यहाँ पे ही आ जाएगा सो नेक्स्ट वन सो पीवी एट द रेट ऑफ थर्टीन परसेंट टोटल निकाल दो ना आंसर सो पी वी टू पॉइंट थ्री फोर फाइव एट पॉइंट नाइन जीरो वन आ रहा है माइनस वन पॉइंट जीरो सही जा रहा है क्या ये चलेगा डन है खत्म दिस सम इज ऑल्सो डन शो द होल सम अगैन देख लो एक बारी किसी ने नहीं करा है तो पिक्चर क्लिक करो या जो करना है करो ये फर्स्ट स्क्रीन है तुम्हारी और इस्ति इसलिए रही हूं क्योंकि सल्यूशंस नहीं है बुक में तो तुमको देखना ही पड़ेगा चॉइस नहीं है तुम्हारे पास में और ये थर्ड स्क्रीन है तुम्हारी खत्म तो ये इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट अगर आगे कुछ सम आया तो कर लेंगे वो अलग बात है बट बेसिक्स में एंड सेकेंड जो सम करा ना ये काफी ज्यादा पूछते हैं पहले से भी काफी ज्यादा पूछते हैं इट्स अ वेरी ओबियस सम इन दैट कैन बी आस इन पेपर नॉट द टू थर्ड वन क्वेश्चन नंबर थ्री जो हम बुक से किया तो वन टू थ्री फोर हो चुका है फाइव में अभी एपीवी का सम है देखो लिखा हुआ है फाइंड एपीवी तो अपन एपीवी अभी डिस्कस नहीं करेक स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर सिक्स बट वो सिक्स क्या है टॉपिक हेडिंग देने दो बी प्लांट्स विथ फॉरिक्स में देखो ना ढूंढना पड़ेगा तुम लोग को है क्या वो वा वाला, वाला? क्या हाँ कल बता कल बता प्लांट्स विथ अन एक फर्क नहीं पड़ेगा नहीं वक्त कर लेंगे ना मुझे याद आ रहा है कि मैंने क्लास में कराया है ऐसा हो सकता है किसी और बैच में कराया को। उतना यही याद रहता है इंसान को ओके okay. ना no. अभी क्या होता है कि तुम दो प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास में ठीक है और तुम क्वटम कर रहे हो कि मैं ए लू क्या बी लू लेकिन दोनों की दोनों करते हैं सेम काम है इसलिए दोनों में से दोनों नहीं ले सकते तुम लोग को एक ही लेना पड़ेगा लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग है समझो कि एक की लाइफ पांच साल है एक की लाइफ सात साल है तो वो कंपेरेबल नहीं है एक्चुअली उस केस में हम क्या निकालते हैं एनुअल कैपिटल चार्ज मतलब क्या करेंगे हम उस मशीन से रिलेटेड जितना भी कॉस्ट है कॉस्ट मतलब जो आउटफ्लो होगा मेरे को उस मशीन के नाम पे अगले पांच सालों तक क्या होगा उसको चलाने का खर्चा लेकिन चलाने का खर्चा जब तुम पी एंडल में डालोगे तो तुमको टैक्स की डेवलप होगी करेक्ट तो निखिल बोल रहा है कि मैम क्वेश्चन नंबर फ़ॉरेक्स में क्वेश्चन नंबर टेन मिक्स्ड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के सामने जाके लिखो क्वेश्चन नंबर

टोटल के अमाउंट के बेसिस पे तुम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक में पीवी वी पांच साल की हो रही है और एक में पीवी वी सात साल की हो रही है दे आर नॉट कंपेरेबल टाइम वाइज क्योंकि कैसे बोलते क्यों नहीं कंपेरेबल है कि जब ये मशीन पांच साल में खत्म हो जाएगी तो तुमको वापस से ये मशीन को उसी कॉस्ट के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा बाकी दो साल का क्या करोगे तुम ऐसे एंड एंडहेंस दे आर नॉट कंपेरेबल ओके बट दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बिकॉज वी डोंट नीड टू वी नीड ओनली वन तो हाउ डू वी कंपेयर विच वन इज बेटर तो मैं बोली थी दोनों को चलाने का खर्चा होता वो है वो दिया हुआ रहेगा सब में उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं मशीन को चलाने का खर्चा अब वो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका तुम बी नहीं निकाल सकते क्यों जब वो ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम अपने पी एंडल में डालोगे ना तो तुम्हारे लिए टैक्स के बेनिफिट जनरेट हो मान लो कि दस लाख रुपए तुमने डाला ओके और तीस परसेंट का टैक्स है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाई खर्चा मशीन में मुझे चलाने का दस लाख का नहीं आ रहा है सात सात लाख का आ रहा है समझ रहा है क्या हाँ ना बोलो भाई अरे बोलो करेक्ट ना nah? तो सात लाख आ रहा है तो तुम दस नहीं लोगे तुम सात लोगे तो इसी तरह से करके और अगर डेप्रिसिएशन के बेनिफिट अगर हो रही है कुछ तो वो भी तुम बेनिफिट माइनस करोगे बिकॉज वो भी उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन बना तो तुमने पी एंडल में डाला और क्योंकि तुमने पी एंडल में डाला बोल के तुमको टैक्स के बेनिफिट वापस जनरेट हुई तो वो वाला पार्ट भी तुम माइनस करोगे तो नेट आउटफ्लो ऑन द नेम ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट ओके वो तुम कैलकुलेशन करोगे उसकी पीवी करोगे उसकी पीवी करके जीरो पे लाओगे तो उसको सिर्फ चलाने का खर्चा लिया तुमने खरीदने का खर्चा नहीं लिया उसमें तुम इनिशियल आउटफ्लो जो उस मशीन के नाम को खरीदने का यानी उस मशीन को खरीदने से लेके चलाने तक का सारा खर्चा टैक्स एडजस्ट करने के बाद बंडल बना करके रखो और उसको क्या करो जितने साल की मशीन है उतने साल के पी फैक्टर से डिवाइड कर दो उसको बोलते हैं एनुअल कैपिटल चार्ज उससे क्या हो गया कि पर एनम तुम्हारा जो खर्चा है ना वो निकल के आएगा तो क्योंकि तुमने दोनों प्लांट की लाइफ अलग अलग है तो तुमने एवरेज कर दिया बेसिकली तो पर एनम लोअर द बेटर गॉट इट यू विल गेट इट हु कर रही है इट्स ओके सो इन दिस टॉपिक In this topic, we compare two plants with unequal lives. They are not comparable on an absolute basis as the lives are not same and hence we can Convert or calculate Annual Capital Charge or ACC.

आई सब मिला के लगभग हमने मैंने चालीस है ट्वेंटी एट एंड बारह हैं शायद ओके करो ठीक है ना पाँच सात दिन में खत्म हो जाएगा क्या ही फर्क पड़ता है करेक्ट कराई दूंगी वो सारे तुम चिंता मत करो एक आधा लेक्चर का फर्क पड़ेगा कर लो मेरे साथ में वरना तुम किसी बाकी तो चैप्टर्स का तुम कर लोगे कैपिटल बजटिंग तुम कोई बच्चा किसी हालत में नहीं जाकर प्रैक्टिस समी कर लेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसलिए ये चालीस तो कर ही लो कम से कम है ना कम से कम मैं हर लेक्चर में साथ साथ आठ आठ सम भी करवाऊंगी तो भी खत्म हो जाएगा चार पांच लेक्चर में राइट इतना टेंशन नहीं आराम से कर लो ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है रुको लाना पड़ेगा ना बोला कैसे पता चलेगा ये पढ़ने को बच्चों के पास बहुत रहता है एंड फिर सोचते हैं ठीक है ना तो मैं करा दूंगी तो बच्चे के छोड़ के भी नहीं जाएंगे एग्ज़ाम में वरना छोड़ के चले जाएंगे बिना करा बस एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम कह चलो नहीं किया कर लेते हैं कभी नहीं होने वाला वो इसलिए नहीं करना अ फर्म इज इवेल्युएटिंग टू अल्टरनेटिव मशीन ए एंड बी ए हैज लाइफ ऑफ सेवन ईयर्स एंड बी एज लाइफ ऑफ फाइव ईयर्स द इनिशियल आउटले एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने पूरे के पूरे कैपिटल बजटिंग को तुमको पूरा स्ट्रक्चर करके दे दिया अगर तुम थोड़े भी स्मार्टली प्ले करोगे ना तो तुमको एक्जैक्टली exactly पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी में सम चल रहा है और मुझे कैसे सॉल्व करना है शुरू कैसे करना है दिक्कत किस बात की कैपिटल बस्टिंग में दिक्कत एक ही बात की है कि तुमको पता नहीं है सम को शुरू कैसे करो तो कि इतना इतना बड़ा तो सम होगा और इतना बड़ा सोल्यूशन होगा करोगे क्या तुम तो थोड़ा स्ट्रक्चर अगर मिल जाता है तो फ्लो बेटर हो जाती है अब देखो यहाँ पे इसका इनिशियल दिया है दोनों का और ये सारे खर्चे दे रखे हैं डेप्रिसिएशन ट्वेंटी परसेंट दे रखा है अब ट्वेंटी परसेंट अगर दे रखा और कुछ भी नहीं बोला तो डब्ल्यू ही मैं लूंगी क्यों पांच साल वाले में तो ये खत्म हो जाएगा लेकिन सात साल वाले में क्या करूंगे इसलिए डब्ल्यू ही लेना पड़ेगा अज्यूमिंग दट डिस्काउंट रेट दे रखा है सेल्वेज चैलू को इग्नोर करने को बोला विच ऑफ टू मशीन यू रिकमेंड ऑन वॉट बेसिस ओके स्टार्ट यू नो वी हैव टू कैलक्युलेट एम कैपिटल चार्ज सो सोल्यूशन फॉर ए फॉर मशीन ए ओके सो ईयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन करेक्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना है हमें इतना दिया है वन दिया है वन पॉइंट टू फाइव दिया मतलब ये पी एंडल में जाएगा हर साल तुम्हारे तो पूरा घर से नहीं जाएगा पैसा ना तुम्हारे बचेगा पैसा जैसे डालोगे टैक्स बेनिफिट जनरेट होगी तो वो माइनस कर बिकॉज उसके तुम्हारे ये डेट ये फिगर्स डालने की वजह से टैक्स बच रहा है तुम्हारा वरना नहीं बचता था तो क्या लेंगे पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ठीक है ना टैक्स रेट कितनी है थर्टी परसेंट है ओके सो वन माइनस थर्टी परसेंट पॉइंट सेवन आएगा देन वन पॉइंट टू फाइव

वन पॉइंट फोर जीरो ठीक है ना तो घर से एक्चुअली ये पैसे जा रहे हैं जो ये कॉलम हमने कैलकुलेट किया लेकिन अभी क्योंकि ये मशीन खरीदी इसकी वजह से डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो डी सीधा लू क्या कि तो पहले डेप्रिसिएशन लू तो डेप्रिसिएशन लेती हूँ वरना बच्चों को उन्होंने डायरेक्टली कर दिया डब्ल्यू है ना ये तो कितने की मशीन है दस लाख दस लाख का तुम्हारी मशीन है और तुम्हारी डेप्रीशन बीस परसेंट है तो ऐसे कर सकती हूँ क्या देखो देख ध्यान देना नहीं तो बाद में पूछोगे टेन इंटू ट्वेंटी परसेंट इज टू एंड टू एंट पॉइंट एट, वन पॉइंट सिक्स पॉइंट एट वन पॉइंट टू एट इंट पॉइंट एट वन पॉइंट जीरो टू फोर इंटू पॉइंट एट, पॉइंट एट टू इंटू पॉइंट एट, पॉइंट डबल सिक्स इंटू पॉइंट एट विल गिव यू पॉइंट फाइव टू फोर टू समझा अब डी टी एस मैं डायरेक्टली यूजली मैं डायरेक्टली ही करती हूँ ठीक है जाने दो अभी तो डिप्रीसीक्ट टू इंटू पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स जीरो अब कि तुम क्या करोगे कि ये तुम्हारा खर्चा लग रहा है ये तुम्हारे घर से जा रहा है लेकिन मशीन के ऊपर दो का डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना उसकी वजह से इतना बच गया तुम्हारे घर से पॉइंट सेवन भी नहीं जा रहा तुम्हारे घर से पॉइंट वन ही जा रहा है आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड नाउ सो वन पॉइंट सिक्स इन टू पॉइंट थ्री विल गिव यू पॉइंट फोर एट इसको ब्रैकेट में दे दू क्या इसको ब्रैकेट में देना चाहिए तब ज्यादा अच्छा कैल दिमाग ज्यादा अच्छा चलेगा एक्चुअली now 1.28 into point three will give you 0 0.384 1.024 into point three will give you 0 0.31 0 0.82 into point three will give you 0 0.25 0 into 0.3 will give you point two zero. .20. इन पॉइंट फाइव टू फोर टू इन टू पॉइंट थ्री विल गिव यू पॉइंट वन सिक्स चेक कर लेना मैंने सही है क्या ये बताओ यहाँ पर करेक्ट है क्या ओके okay. तो ये इसके साथ में अपने को एडजस्ट करना है सो बेसिकली कॉलम नंबर वन ओके कॉलम नंबर टू कॉलम नंबर थ्री कॉलम नंबर फोर और नेट आउटफ्लो ओके नेट आउटफ्लो हो जाएगा पता है क्या टू माइनस फोर तो टू माइनस फोर हो जाएगा अब करो ये पॉइंट वन ज़ीरो हो गया एक्चुअली ओके okay, फिर होगा पॉइंट एट सेवन फाइव माइनस पॉइंट फोर एट पॉइंट थ्री नाइन फाइव ओके वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस पॉइंट थ्री एट फोर विल गिव यू पॉइंट डबल ट्रिपल सिक्स

अब तुमको क्या करना पड़ेगा इसकी पीवी करनी पड़ेगी बेसिकली दैट इज़ व्हाट टेक्स टाइम एक्चुअली और रेट दे रखी है टेन परसेंट की विच इज़ इजी एक्चुअली सो पीवी एट द रेट ऑफ टेन परसेंट सो पॉइंट नाइन ज़ीरो नाइन पॉइंट एट टू सिक्स पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट सिक्स एट थ्री पॉइंट सिक्स टू वन अब इसके आगे नहीं आता मेरे को इंट फाइव सिक्स फोर सो पी वी अब तुमको मशीन बी का बाकी ही है अभी तो सो पॉइंट वन इंटू पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो नाइन <laughs> बोल रहा है कि आप बोलते बोलते चुप हो जाते हो बीच में अचानक से <laughs> मैं अपना हेडफोन और इंटरनेट चेक करता हूँ कनेक्शन <laughs> उसका लूज हो गया हाँ तो मेडिटेशन जैसा समय क्या ही बोलूंगा इसमें ये पीवी ऑफ ऑल कॉस्ट नहीं हुआ पीवीएफ ऑल कॉस्ट नहीं हुआ पीवीएफ ऑल कॉस्ट तब होगा जब तुम इसमें इसका इनिशियल भी ऐड करो पॉइंट जीरो नाइन जीरो प्लस पॉइंट थ्री टू सिक्स थ्री पॉइंट डबल थ्री पॉइंट सिक्स सेवन ले सकते हैं थ्री पॉइंट सिक्स सेवन ओके नाउ प्लस इनिशियल टेन थर्टीन पॉइंट सिक्स सेवन ए सी सी विल बी थर्टीन पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइड बाय पी वी ए टेन परसेंट कॉमा सेवन करेक्ट ए सी सी की वैल्यू निकालो फिर भी की निकालनी बाकी है मेरे हिसाब से थर्टीन पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाई फोर पॉइंट एट सिक्स सेवन एट होना चाहिए चेक कर लो आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं श्योर तुम पूछ सकते हो मैम आप श्योर क्यों नहीं हो आपने किस बेसिस से वो लिखा क्योंकि मेरे को इतना पता है इतना का टोटल पता है थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो एट ठीक है ये पांच का पता है मैंने उसमें ये दोनों ऐड कर दिए थर्टीन पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइड बाय फोर पॉइंट एट सिक्स सेवन एट टू पॉइंट एट वन आ रहा है टू पॉइंट एट वन इज द एनुअल कैपिटल चार्ज पर एनम पर एनम है ये यानी कि पर एनम तुम्हारा घर से आउटफ्लो ऑन एन एवरेज टू पॉइंट एट वन जाता है अब तुमको बी के लिए निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किसका लोअर है करेक्ट ना स्टार्ट हो जाते हैं चलो खत्म करते हैं ये वाला टॉपिक तो अच्छा कवर हो गया तो भी मार्केट चलो फॉर मशीन बी इसको बोलते हैं टाइम पास अब मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ मैं नहीं करने वाली हूँ पूरा एक चीज़ अलग अलग से वन टू थ्री बिकॉज अपना अभी को खत्म करना है तो मैं सीधा लेने वाली हूँ uh, हेडिंग्स कह लिए पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ओके सो पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ओके सो पॉइंट सेवन फाइव माइनस थर्टी परसेंट इज पॉइंट फाइव टू फाइव देन वन माइनस थर्टी परसेंट इज पॉइंट सेवन ओके देन वन पॉइंट टू माइनस थर्टी परसेंट इज पॉइंट एट फोर देन वन पॉइंट फोर माइनस थर्टी परसेंट इज पॉइंट नाइन एट ओके एंड अगेन वापस ये हो जाएगा पॉइंट सेवन जीरो ठीक है नाउ डीटीएस डीटीएस हो जाएगा एट इंटू ट्वेंटी परसेंट ओके इंटू पॉइंट थ्री पॉइंट चेक कर लेना मुझे बताना कहीं गलत है तो टू पॉइंट एट पॉइंट थ्री एट फोर पॉइंट थ्री वन पॉइंट टू फोर सिक्स पॉइंट टू जीरो नेट आउटफ्लो एंड इफ यू वांट आई कैन पुट ब्रैकेट्स अराउंड दिस

zero point zero four one प्लस पॉइंट टू सिक्स वन प्लस पॉइंट फोर वन पॉइंट फाइव वन टू फाइव ठीक है एड इनिशियल सो नाइन पॉइंट फाइव वन टू फाइव Okay, ACC nine point five one two five by PVA ten percent comma five two point five one कौन सा कम है ये कम है सिंस ए सी सी फॉर बी इज लोअर Okay, so time is up actually, and uh, we could have done more half an hour possibly. But then uh, we are planning to record, do uh, you know, take mutual fund also today only, as uh, in the form of extra lectures actually. And uh, I think this was tiring because you have to non-stop write for two and a half hours, uh, three hours actually. The lecture is for three hours, but we, started at six thirty morning. Hi shuru tha. It is already nine, more than nine thirty. But then, some things live batch, like bat extra kuch, विच इज़ नॉट रेलीवेंट हम वही पार्ट हटाते हैं जो रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट नहीं होता है वो तो बच्चा कहीं फंस गया और मुझे लगता है वो रखने से रिकॉर्डेड वाला बच्चा ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो हम वैसा ऐसे कोई मेजर नहीं हम हटाते हैं ओके okay? सो so, किस कितने बजे लेक्चर होगा एंड ऑल दैट वो सारी बातें रहती है बहुत सारी आई डोंट वॉन्ट टू लाइक मुझे याद भी नहीं क्या क्या बातें हुई सो आई थिंक द लेक्चर इज ऑफ टू आवर्स टू ढाई घंटे का लेक्चर बनाए तुम्हारा तो so, थैंक यू सो so मच कल अपन वापस इसको कंटिन्यू रखेंगे एंड uh, पढ़ो अच्छे से बस और लिखना अवॉइड मत करना अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लिखना अवॉइड करोगे पेपर में लिख पाओगे थिंक तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी वो ठीक है चलो बाय बाय